Hi there everyone, welcome to CA Foundation Classes, I am Agrika. आज हम paper number 1 यानि कि accounts का chapter number 1 जो कि एक theory based chapter है जहां से theoretical questions majorly आते हैं वो complete करने वाले हैं. 100% coverage होगा, fastest possible speed में coverage होगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कैसे 1.5 पे खुद ही सुनते हो, तो मैं ही क्यों ना उसको super speed में आपको समझा दूं. इससे अगर आप 2 से 3 बार पढ़ के जाएंगे, exam तक 2 बार भी पढ़ के जाएंगे तो आप सब कुछ class में ही समझ लेंगे, आपको खुद से याद करने की अलग से समझने की जरूरत नहीं है. मैं समय समय पे जगह जगह पे जहां पे जरूरत होगी मैं आपको निमोनिक्स से बहुत सारी चीजें याद भी करवा दूंगी, तो आप क्लास में भी याद कर लेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. एक और आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार चल ऐसे करते हैं कि थ्योरी को जो है ऑप्शन में छोड़ देंगे. ऐसा नहीं करना. वाई? बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं, जो मेजरली चैप्टर नंबर 1 से आते हैं और जगह से भी आते हैं, आपको वो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एज अ क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी में आ जाएगा, या फिर जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, या फिर ये सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन की तरह आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 4 का ए पार्ट आपको बेहतरीन तरीके से आता है प्रैक्टिस, लेकिन 4th का भी आ जाएगा तो आप क्या करोगे. इसलिए हमें थ्योरी को बहुत ही इंपॉर्टेंस देनी है. बस मेरे साथ जुड़े रहिए, अलग से खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 जो क्या है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. ओके, तो यहां पे हम निमोनिक्स करेंगे आरसीएस एआईसी. तो देखो दोस्तों, अकाउंटिंग जो होती है, हम शुरू कर चुके हैं, अकाउंटिंग जो होती है इट इज अबाउट इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस. एक सिस्टम होता है जो स्टार्ट होता है चीजों को, इवेंट्स को, ट्रांजैक्शंस को मनी में रिकॉर्ड करने से और एंड होता है कम्युनिकेट करने तक. तो आरसीएस एआईसी प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग इज आरसीएस एआईसी. तो आर है रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन एस इज समराइजिंग, एंड देन एआईसी इज एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग. तो जो आरसीएस है वो जनरेट करने की बात करता है और जो एआईसी है वो यूज करने की बात करता है. आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं फिर उसको यूज करते हैं, ये पूरा प्रोसेस अकाउंटिंग प्रोसेस होता है. तो जनरेटिंग एंड यूजिंग, जनरेटिंग में आरसीएस, यूजिंग में एआईसी. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, वो रिकॉर्डिंग किस तरीके से हमारी होती है. तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो इसमें 3 साइकिल होती है, इनपुट, अकाउंटिंग साइकिल, आउटपुट. इनपुट का मतलब होता है कि आप उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को ढूंढ रहे हो, उन इकोनॉमिक इवेंट्स को और उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को ढूंढ रहे हो जो फाइनेंशियल नेचर के हैं. वो फाइनेंशियल नेचर के हैं उनको ही आप रिकॉर्ड करेंगे. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा एम्प्लॉय का जाना, गुडविल, ये हम लोग फाइनेंशियल फॉर्म में जनरेटेड गुडविल, इसको फाइनेंशियल नंबर्स नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये भले इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी बुक्स में नहीं आती है. तो अब मैं ना एक्स्ट्रा बात नहीं करूंगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी. ठीक है, ओके. सो रिकॉर्डिंग में हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस. आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ईई और ईटी जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं. जो ये हैं सिर्फ और सिर्फ यही किताबों में आएंगे, तो इनको अब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. आर का मतलब होता है रिकॉर्ड करते हैं, किसमें, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में. फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जो जर्नल एंट्री होती है, जो प्राइमरी बुक्स होती हैं हमारी, उससे हम लोग उसको पोस्ट करते हैं हमारे लेजर्स में. लेजर क्या होता है, ये आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हो. लेजर का मतलब होता है कि I'm sorry, थोड़ी तबीयत खराब है 3 दिन से. तो लेजर का मतलब होता है कि सेम हेड, एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिखना, एक जैसे आइटम्स को एक जैसे एक जगह पे लिखना. तो ट्रांजैक्शंस को हम लेजर में पोस्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं. ट्रायल बैलेंस पोस्ट करने के बाद अकाउंटिंग साइकिल में ही आता है फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन. जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, यहाँ पे आती है आपकी इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट. नाउ ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में जब आ जाते हैं तो इसका क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं. यूज 2 तरीके के लोग करते हैं, एक तो मैनेजमेंट खुद करती है, आप बात समझ रहे हो. तो हम लोगों ने क्या किया, आरसीएस एआईसी. तो आरसीएस में रिकॉर्डिंग हुई, रिकॉर्डिंग के लिए ये करना पड़ेगा, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से इकोनॉमिक इवेंट्स और कौन से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर के, उसको हमको बुक्स में लेकर के आना है. कौन सी बुक्स में लेकर के आना है, हमें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में लेकर के आना है. फिर उसके बाद उसको हमको लेजर में पोस्ट करना है, उसके बाद हम लोगों को उसको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है और फिर फाइनल अकाउंट्स उससे क्रिएट करने हैं. तो ये अकाउंटिंग साइकिल है, समराइजिंग में ये सब आता है कि फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन. अब फाइनल अकाउंट्स का जब प्रिपरेशन करते हैं तो अब हम लोग इस पे आ चुके हैं, यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. यहां पे 2 तरीके के लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं. पहले वो लोग होते हैं जो कि मैनेजमेंट के ही होते हैं पार्ट. मैनेजमेंट का मतलब है इंटरनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, इंटरनल ऑडिटर हो गया, पार्टनर्स हो गए, ओनर्स हो गए. और फिर एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल यूजर्स में क्रेडिटर्स हो गया, लेंडर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, सप्लायर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, आपके एम्प्लॉयज हो गए, आपके इन्वेस्टर्स हो गए, ये लोग यूज करते हैं. ठीक है, एम्प्लॉयज में हम यहां पे क्यों आएगा, तो एम्प्लॉयज में यहां पे आने का मतलब ये है कि एक बंदा जो कि एक कंपनी में जॉब लेने जा रहा है, वो आजकल के स्मार्ट लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स को भी देखते हैं कि भैया कंपनी हमको पे कर पाएगी
कि नहीं कहीं कंपनी इंसॉल्वेंसी की कगार पे तो नहीं है, तो आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल यूजर्स में एम्प्लॉयज को भी लिखेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि देखिए स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग, कोई भी कंपनी होती है, कंपनी एक ट्रांजैक्शन और इवेंट करती है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जो चीज़ें हो रही हैं, और इवेंट का मतलब उसकी वजह से जो हुआ। फॉर एग्जांपल मैंने अपने बिजनेस में रॉ मटेरियल्स को खरीदा और मैंने उसको सेल किया, तो रॉ मटेरियल को खरीदना और रॉ मटेरियल और सामान को सेल करना ये इवेंट्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, और इसकी वजह से नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट बचता है, वो एक इवेंट होता है। तो तुमने जो किया, फॉर एग्जांपल तुमने एक मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदी ये एक ट्रांजैक्शन है, फिर मशीन का हर साल डेप्रिसिएशन लगा वो एक इवेंट है, ठीक है। तो हम ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को ही लिखते हैं बुक्स में। आपको पता है कि आप ट्रांजैक्शंस को भी लिखते हो और आप इवेंट्स को भी लिखते हो, राइट? ओके, तो जो सरप्लस हुआ, जो हुआ किसी चीज की वजह से, जो हुआ किसी चीज की वजह से जो हुआ, वो एक इवेंट होता है, और जो चीज हम करते हैं वो एक ट्रांजैक्शन होता है। इन सभी चीजों का आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, वरना जो है आप सब कुछ भूल जाओगे और रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी, साउंड डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी कि पास्ट में क्या क्या हुआ। आप सिंपल सा, लेट्स सपोज आप 100,000 रुपए भी महीने का कमाते हो, तो उस 100,000 रुपए को आप जो है लिखते हो कि आपके खर्चे वगैरह कहां हुए। तो आपकी जो एम होती है, अकाउंटिंग का एम होता है रैशनल एंड साउंड डिसीजन मेकिंग। इसीलिए कहते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस की भाषा है, बिजनेस जो है वो क्या बोल रहा है कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, मेरे असेट इतने हैं, मेरी लायबिलिटी इतनी है। तो बिजनेस जो बोलना चाह रहा है वो अकाउंटिंग लैंग्वेज के थ्रू बोलता है। आइए हम लोग बात करते हैं कि मीनिंग क्या होती है अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन की अब हम लोग बात कर रहे हैं, और ये डेफिनेशन हम लोग दो तीन तरीके से देखेंगे। तो एक तो हमारी बहुत पुरानी डेफिनेशन आ जाएगी, फॉर एग्जांपल हमारी सबसे पहली डेफिनेशन थी जो कि कमिटी ऑफ टेक्नोलॉजी विच वाज सेट अप बाय AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। उन्होंने 1961 में एक बड़ी ही ओल्ड स्कूल, बहुत ही पुरानी डेफिनेशन दी थी, जिसका नाम था RCS। बोलता है कि अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग तक सीमित है। इसने बिल्कुल भी नहीं बोला कि अकाउंटिंग का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को यूज करना और उसका फायदा लेना डिसीजन मेकिंग में। इसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, और इस वजह से जो ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट AICPA की जो कमिटी ऑफ टर्मिनोलॉजी की सबसे पहली डेफिनेशन थी, आपको याद करना पड़ेगा, जो 1961 में आई थी, वो इनकम्प्लीट थी। वो बोलता है कि सिर्फ वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो मॉनेटरी टर्म्स के हैं उनको जो है रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज कर लो, बातें हो गई, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। तो इसका कहना था कि सबसे पहले हम लोग जो है चीज़ों को अपनी पहली बुक में, यानी कि प्राइमरी बुक में, यानी कि जर्नल में, यानी कि सब्सिडरी बुक्स में, जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स में, ठीक है। तो जर्नल का मतलब होता है कि आपने सारी जर्नल एंट्रीज एक साथ कर दी, और सब्सिडरी बुक का मतलब होता है कि लेट्स सपोज परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, कैश, ये सब ना बहुत बार होता है, तो हर बार जर्नल एंट्री करना फिर उसको लेजर में पोस्ट करना, इससे अच्छा है कि बकायदा एक साथ सब्सिडरी बुक बना लो। तो 7 से 8 तरीके की सब्सिडरी बुक होती हैं, ये भी प्राइमरी बुक होती हैं। तो आप सबसे पहली पहली बार प्राइमरी बार या तो जर्नल में या तो सब्सिडरी बुक में क्लासिफाई कर लो ट्रांजैक्शंस को और इवेंट को, ठीक है, मतलब लिख लो, उसके बाद आप उसको क्लासिफाई करो, लेजर में लेकर के जाओ, समराइज करो, इसको बोलते हैं सेकेंडरी बुक। और सेकेंडरी बुक हमारी लेजर होती है। नाउ तो लेजर में क्या करते हैं, लेजर में बेसिकली हम लोग ट्रांजैक्शंस को इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स और लायबिलिटीज के फॉर्म में जो है लेजर में सेग्रीगेट करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें, हमेशा याद करना कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है हजारों देश से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कभी येन में आ रहा है, कभी डॉलर में आ रहा है, हमेशा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, ये पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, वो कंट्री के रूलिंग करेंसी में होता है। याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं हाईलाइट करके आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि अब क्या हो गया है, आप सबको पता है कि RCS से काम नहीं चलेगा। Why? Because हमारी दुनिया जो है बहुत बड़ी हो गई है, accounting का scope बहुत बड़ा हो गया है। Why? Because RCS यानी कि summarizing पे accounting खत्म नहीं हो सकती है। आज की date में जो management है और जो owners हैं, जो directors हैं, जो company चला रहे हैं और जो owners हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं, वो अलग-अलग हो चुके हैं। Business globalize हो चुका है, तो इस वजह से हमको सिर्फ summarize करने से काम नहीं चलेगा, हमें उन लोगों को जिन्होंने पैसे लगाए हैं उन तक communicate भी करना पड़ेगा। और इस वजह से जो ये पहली वाली definition थी, इसको incomplete माना जाता है, क्योंकि ये इनफॉर्मड जजमेंट नहीं होने दे रही है, RCS पे जाकर के खत्म हो जा रही है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि जो लेटेस्ट है बेसिकली जो डेफिनेशन, वो बोलती है RCS भी होगा, AIC भी होगा और जजमेंट भी होगा, यानी कि RCS तो होगा ही और एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स भी होगा, और ये सब जो है जिससे कि एक प्रॉपर जजमेंट हम लोग ले सकें, एक अच्छा जजमेंट ले सकें उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उस बिजनेस का, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग का प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स क्या है, क्या है प्रोसीजर। तो अकाउंटिंग का प्रोसीजर ये होता है कि भैया सिंपल से इन्फॉर्मेशन को जनरेट करो और उसको यूज करो, यानी कि RCS और AIC। तो सबसे पहले बात करते हैं RCS में रिकॉर्डिंग की। तो रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि जो तुम्हारे पास प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होंगे, स्टार्टिंग में कुछ एविडेंस होगा ना, इनवॉइस होगा, कि हवा में कहीं से भी कुछ भी लिख दोगे। आपका जो ऑडिट होता है उसमें आपके इनवॉइस चेक होते हैं, तो आपके जो इनवॉइस है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स,
है उसको सबसे पहले हम लोग जर्नल में लेकर के आते हैं. नाउ इस जर्नल को हम लोग सब्सिडियरी बुक्स भी बोल सकते हैं जो मैंने आपको बताया. उसके बाद हम लोग क्लासीफाई करते हैं. क्लासीफाई करने का मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक एनालिसिस होता है, एक ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन जो इनकम के हैं, जो एक्सपेंसिस के हैं, जो असेट्स के हैं, जो लाइबिलिटीज के हैं, उनको हम लोग लेजर में लेकर के जाते हैं. इंडिविजुअल अकाउंट हेड खुलता है अलग अलग पेजेस पे और इसको आप लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे. तो लेजर में डालने के बाद क्या होता है, अब लेजर फॉर एग्जांपल एक जैसी इनकम आ गई, सारे एक्सपेंसेस आ गए, अब क्या किया जाए, अब उन्हीं सबको हम लोग समराइज करते हैं आरसीएस थर्ड वाले में. तो आप क्या करते हैं, यहां पे समराइजिंग में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है. आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन होता है वो आपके समराइजिंग में आता है, ठीक है. तो समराइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, समराइजिंग में बेसिकली हम लोग बड़े ही क्लासिफाइड मैनर में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वो सब आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 2 में है ये सब. तो वो समराइजिंग में आता है. फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यूजिंग की. यहां से यूजिंग वाला हेड शुरू हो गया, यानी कि आपका जनरेटिंग हो गया खत्म और ये यूजिंग आ गया. तो अब यूजिंग की अगर हम लोग बात करें तो यूज में हम लोग एनालाइजिंग की बात करेंगे. तो एनालाइजिंग का मतलब होता है कि अब देखो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने बैलेंस शीट बना ली. अब बच्चे बोलते हैं कि मैम यहाँ पे पीएल बनाना आता है. बेटा पीएल का बनाना, बैलेंस शीट का बनाना आपके समराइजिंग में आता है. एनालाइजिंग का मतलब होता है रेशियो निकालना. एनालाइजिंग का मतलब होता है कि पीएल में और बैलेंस शीट में एक रिश्ता निकालना, ये होता है रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन शो हो रहा है और मेरे बैलेंस शीट में असेट शो हो रहा है, फिक्स असेट शो हो रहा है, तो इसके बीच में रिश्ता क्या कहलाता है. सिमिलरली मेरा जो लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में मेरी लाइबिलिटी दिख रही है इनकम टैक्स पेबल की, और जो है मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो इनकम है वो कितना है, तो उसके बीच का रिश्ता, ऐसे बहुत सारी चीज़ें. तो एनालाइजिंग वाली चीज़ आप जब अपने इंटरमीडिएट में चले जाएंगे तब आप रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे, आप फाइनेंशियल मॉडलिंग में भी इसको पढ़ते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इंटरप्रेटिंग की. इंटरप्रेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो रेशियो एनालिसिस बेसिकली एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग एक ही चीज हो गई, कि हम लोगों ने एनालाइजिंग में जो है ना क्लासिफिकेशन करने के बाद एक रिश्ता जनरेट किया. अब यहां पे आप इंटरप्रेट करते हो कि यार ऐसा क्यों हुआ, यानी कि इस साल का डेप्रिसिएशन इतना आया, पिछले साल का इतना कम क्यों आया था, इस साल का मेरा टैक्स पेबल इतना बन रहा है, टैक्स रेशियो इतना आ रहा है, पिछले साल का इतना ज्यादा क्यों था. सो यू आर नॉट ओनली थिंकिंग व्हाट हैज हैपेंड बट ऑल्सो वाई इट हैज हैपेंड. दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन. फॉर एग्जाम्पल आप अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं ना कि यार मेरे लॉ में इतने कम मार्क्स क्यों आए. तो ये फाइनल फंक्शन होता है अकाउंटिंग का. गिव मी अ मोमेंट गाइस, गिव मी अ मोमेंट, आई हैव सम वाटर. ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि याद रखना कि एनालाइजिंग में जो है मेथडिकल क्लासिफिकेशन आता है, यानी कि रिलेशनशिप पता करना, और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि रेशियो एनालिसिस करना, एनालाइज करना, राइट. तो एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग एक साथ चलता है. एनालाइजिंग का ही जो रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं वो इंटरप्रिटेशन में आता है, यानी कि ना सिर्फ कि क्या हुआ बट क्यों हुआ, व्हाई इट हैपेंड. नेक्स्ट हम लास्ट बात कर रहे हैं आरसीएस एआईसी में है हमारा सी, यानी कि जो कम्युनिकेशन पार्ट है. तो कम्युनिकेशन कहता है कि हम इंफॉर्मेशन को जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं. कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं, हम अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हो गई, रेशियोज हो गया, ग्राफ हो गया, डायग्राम हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, इसको हम लोग देते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को. यानी कि जो समराइजेशन हुआ, जो एनालिसिस हुआ, जो इंटरप्रिटेशन हुआ, उसके रिजल्ट्स को सामने वाले तक पहुंचाना इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को. ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कह रहा है कि जो फर्स्ट 2 प्रोसीजरल स्टेट्स हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन तक, उसको बुककीपिंग में रखा जाता है. लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन है, उसका एनालिसिस है, उसका इंटरप्रिटेशन और जो कम्युनिकेशन है, वो अकाउंटिंग स्टेजेस में आता है. इसको याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने की. तो ये वाला प्लीज पार्ट जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिंक किया है, इसमें गलती हो सकती है और यहां पे ही मार्क्स कट सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट हम बात करें इंफॉर्मेशन को यूज करने की. तो देखिए पहले क्या था ना, कि पहले इंफॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ जो ओनर है, जो मेन मैनेजमेंट है, जो मेन मैनेजमेंट तो नहीं कहेंगे, जो प्रोप्राइटर है, उसको दे दो, बात खत्म हो गई. लेकिन अब जो है दुनिया में जो सोशल रिलेशंस है वो चेंज हो गए हैं, क्योंकि अब जो है ना गवर्नेंस और जो मैनेजमेंट है जो ओनरशिप है वो अलग अलग हो गया है. अब ना सिर्फ ओनर को चाहिए इन्फॉर्मेशन, लेकिन इन्वेस्टर्स को, एम्प्लॉयज को, लेंडर्स को, सप्लायर्स को, कस्टमर्स को, गवर्नमेंट का, सबको इन्फॉर्मेशन देखनी है. सब जो है एक और बात पे बहुत इन्फॉर्मेशन करते हैं, बहुत प्रेशराइज करते हैं, वो है सब्सटेंस ओवर फॉर्म. ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म बहुत बार आएगा. इसका मतलब ये होता है कि हम लोग, लेट सपोज सब्सटेंस ओवर फॉर्म का एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं हमेशा क्लास में भी देती आई हूं, वो ये है कि मान लेते हैं कि एक आपने लैंड खरीदा, आपने लैंड 1 करोड़ का खरीदा, उस 1 करोड़ के लैंड की अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, आपने पेमेंट कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन आ गई 31st मार्च.
तो आपको पता है कि वो लैंड आपका है, उसमें कोई शंका नहीं है, पेमेंट हो चुका है, बट कुछ जो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस रह रहा है, उसमें 3 दिन लगता है, आ गया 31 मार्च। तो क्या आप अपनी बैलेंस शीट में, जस्ट बिकॉज एक सिंपल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, सब कुछ हो चुका है, तो क्या आप अपने बैलेंस शीट में उस 1 करोड़ के लैंड को नहीं दिखाएंगे? आप बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि यहां पे आप सब्सटेंस पे फोकस कर रहे हो, क्या है मैटर उस पे फोकस कर रहे हो, रादर देन उसका टेक्निकल फॉर्म क्या है। नंबर थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है बायस से एकदम फ्री होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो होती है ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, जो अगेन वापस से आएगा। इन्फॉर्मेशन जो है एसेसिबल हो, वो रिलायबल हो, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी से छोटी जो बातें होती हैं वो इंटरनल डिसीजन मेकिंग को, वर्किंग को इंपैक्ट कर सकती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों सबसे पहले यहां पे आपको 2-3 चीजें याद करनी पड़ेगी, कि पहले इवॉल्व का मतलब होता है कि तुम कैसे इवॉल्व हुए, तुम पहले कुछ भी नहीं थे, फिर कुछ हुए। तो इवोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, तो जो अकाउंट्स है वो पहले बच्चों 3 फॉर्म्स में आई। सबसे पहले स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग थी, स्टीवर्डशिप में हम लोग किसी एक स्टीवर्ड को जो है अपॉइंट करते थे, वो हमारे लिए काम करता था। स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग के बाद आई फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और अब आई मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और अब हम चाहते हैं कि सोशल साइंस अकाउंटिंग आ जाए, तो आइए उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इवॉल्व कैसे हुआ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस, तो सबसे पहले आई आपकी स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, जो कि डेटेड है बैक इन द 15th century। और अगर आपसे कोई पूछता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम का रूट क्या है, तो वो हमारा स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग ही है, जो कि डबल एंट्री बुक कीपिंग जो आज है ना, वो बेसिकली वहां से ही शुरू हुई थी 15th century से, ठीक है। तो अब यहां पे वैसे सच बताएं तो जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स थे वो 12th century से आ गए थे, इसको भी याद रखेगा। तो स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग जो है कब तक चली और ये क्या थी? तो स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग कुछ भी नहीं था यार, यहां पे स्टीवर्ड्स होते थे, उनको जैसे फ्लाइट स्टीवर्ड्स होते हैं ना, वैसे अकाउंटिंग स्टीवर्ड्स होते थे, और जैसे एयर होस्टेस नहीं होते तो उनको एयर स्टीवर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, हमारे बिहाफ पे हमारी प्रॉपर्टी वगैरह जो है, देखो क्या लिखा हुआ है, द वेल्दी मैन एम्प्लॉयड स्टीवर्ड्स टू मैनेज देयर प्रॉपर्टी एंड द स्टीवर्ड्स इन रिटर्न रेंडर्ड अकाउंट्स। तो आप मैनेज भी कर रहे हो और आप अकाउंटिंग एक खाता दे रहे हो, ठीक है, आप खाता भी दे रहे हो। तो ये कब तक आपका प्रेवलेंट रहा? ये प्रेवलेंट रहा आपका जब तक लार्ज स्केल बड़े लेवल के धंधे नहीं आ गए, तब तक ये छोटा फॉर्म चलता रहा। इसके बाद जो सेकेंड फेज आया वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग आया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तब आया जब लार्ज बड़ी बड़ी कंपनी आई, जॉइंट स्टॉक कंपनी आई, लोगों ने मिल करके स्टॉक खरीदे, मिल करके पैसा लगाया, ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हुई। तो यहां पे मैनेजर्स जो है गंदी हरकत ना करें, ओनर्स के पैसे को बेकार ना करें, तो यहां पे उनको उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर और बढ़ा दिया गया। और अब जो है जो लॉ है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा, सिर्फ अकाउंटिंग नहीं थी, हर एंटिटी के लॉ ने बोला, नियम ने बोला कि अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम होगा। यहां पे आपका PL, आपका बैलेंस शीट एंड ऑफ द पीरियड में बनने लगा, और यहां पे बेसिकली इसको लीगलाइज भी कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका सेकंड फेज ऑफ अकाउंटिंग आपको याद होना चाहिए। थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग में हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है, जो कि 20th century की है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इस नए डिमेंशन ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई वो सिर्फ RCS तक ना रहे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना रहे, इसका जो है यूज भी आए डिसीजन मेकिंग में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई, फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेसिकली 20th century में आया, और बेसिकली अकाउंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि मैनेजर जो है बस अकाउंट्स को देखे और वो डिसीजंस ले सके, तो इतनी कॉन्ट्रीब्यूटरी वो होनी चाहिए। तो स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद हम लोग लास्टली बात कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। सो बेसिकली हम लोग यहां पे ये अवेयरनेस फैला रहे हैं कि जो बिजनेस होता है वो ना सारे के सारे सामान, जो 5M होता है, वो सारे के सारे मटीरियल, लेबर, सब कुछ जो है सोसाइटी से लेता है, रिसोर्सेज जो है सोसाइटी से लेता है, टुगेदर विद दैट वो जो है पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है, बहुत सारे अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट भी क्रिएट करता है। तो उससे क्या करना चाहिए, उसको जो है ना सोशली वो रिस्पॉन्सिबल भी है। तो आजकल आप लोग देखते होंगे कि बेटी बचाओ कैंपेन हो गया, या फिर जो इंप्लॉयज हैं उनको ढंग से ट्रीट करना, उनको फेयर ट्रीटमेंट देना, उनको अच्छी सैलरीज देना, उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तो ये सोशल बेनिफिट्स होते हैं। सो बेसिकली हम चाहते हैं कि एक ऐसी अकाउंटिंग आए जो कि ना सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग करे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करे, लेकिन एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम डिमांडेड है जो कि एक रिपोर्ट बनाए, एक अलग से रिपोर्ट बनाए कि क्या सोशल कॉस्ट है और क्या सोशल बेनिफिट ये कंपनी दे रही है। पैसे को एक सेकंड रखो, लेकिन तुम क्या सोसाइटी से ले रहे हो और तुम सोसाइटी को क्या दे रहे हो? क्या तुम डिस्काउंट दे रहे हो? क्या तुम एम्प्लॉयज का फायदा जो है उनको फायदा दे रहे हो? क्या तुम जो है रिप्लेनिश करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अच्छे सिस्टम्स लगा रहे हो कि पोल्यूशन ना हो? तो सोशल कॉस्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक काश रिपोर्ट बन पाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आ जाए। तो ये आपके इवोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस क्यों किया है, क्योंकि आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है, आपको इससे पढ़ना है। आइए देखते हैं।
मज़ा आ रहा है ना दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव दोस्तों ये है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग हो। जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका सबसे पहले हम चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग तो भैया घर की हो। देखो इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई भी मेरे को एज सच वो नहीं दिख रहा है, क्या बोल सकते हैं, योर निमोनिक्स समथिंग लाइक दैट। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है सबसे पहले सही चीज़ों को रिकॉर्ड करना, उससे रिजल्ट निकालना, उससे फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, उसको कम्युनिकेट करना, और पांचवा सॉल्वेंसी पोजीशन पता करना, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की। तो यहाँ पे आता है आपका बुक कीपिंग, आपका प्राइमरी बुक, सेकेंडरी बुक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। तो ये बोलता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसको क्लासिफाई और समराइज करो। सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है एसर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट, कि तुम जो है इससे फिर उसके बाद पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। थर्ड बोलता है एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सो बेसिकली बैलेंस शीट से हमको पता चलता है कि क्या तुम एज अ कंपनी ओन करते हो और तुम क्या ओ करते हो। ये होती है फाइनेंशियल पोजीशन का पता होना एक डेट पे, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन सिर्फ बैलेंस से पता चलती है। फिर यहां पे बात खत्म नहीं हुई है, आपको जो है आरसीएस एआईसी करना पड़ेगा, यानी कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जिससे कि कम्युनिकेशन होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के हेल्प से। रिपोर्ट्स का मतलब ग्राफ हो गया, रेशियो एनालिसिस का पेपर हो गया, ये सब चीजें हो गई। तो इससे रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है। और सिर्फ यही नहीं, आप जो है सॉल्वेंसी पोजीशन पता कर पाओ। तो बेटा सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब होता है जब तुम बैलेंस शीट देखते हो तो तुम देखते हो कि क्या असेट है और क्या लाइबिलिटी है। तो बेसिकली असेट्स और लाइबिलिटीज को अगर हम लोग गौर से देखते हैं तो हमको पता चलता है कि यार लाइबिलिटी कितनी है और उसको फुलफिल करने के लिए क्या औकात है कंपनी के पास, क्या उसके पास सफिशिएंट असेट्स हैं कि नहीं लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में। दोस्तों यहां पे एक बात याद रखने की ये है कि सॉल्वेंसी पोजीशन क्या होती है। देखिए बैलेंस शीट को देखकर के आप दो चीजें पता कर पाते हैं कि शॉर्ट रन में मेरे पास वर्किंग कैपिटल में क्या इतने करंट असेट्स हैं कि मेरी करंट लायबिलिटी फुलफिल हो सकती है। अगर ये है तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रन में आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, शॉर्ट रन में लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। और लॉन्ग रन में हमारे जो लॉन्ग टर्म असेट्स हैं क्या वो इतने धांसू हैं कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को फुलफिल कर पाए, ये भी बैलेंस शीट से ही दिखता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग रन में सॉल्वेंसी पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन, और सॉल्वेंट हो कि नहीं। अभी आपके पास देखो अभी के लिए तुम्हारे पास रोज रोज के खर्चे के लिए, चाय पानी के लिए पैसा है कि नहीं, इसको बोलते हैं तुम्हारे पास लिक्विड मनी है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने पाई पाई इन्वेस्ट कर दिए बेवकूफों की तरह। और नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं कि क्या तुम एक साल दो साल में अपनी जिंदगी चला पाओगे अच्छे से, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग रन में तुम्हारी सॉल्वेंसी, तुम दिवालिया तो नहीं निकल जाएगा। सो सॉल्वेंसी पोजीशन और लिक्विडिटी पोजीशन जो होती है वो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की होती है। ये सब हमको अकाउंटिंग से ही तो पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है, तो इसको याद करने के लिए मैंने आपको ये दिया हुआ है। देखिए तो अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या था वो अलग बात थी, लेकिन अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं, रोल्स क्या हैं, उसकी हम लोग बात करें। तो सबसे पहले अकाउंटिंग का फंक्शन होता है कि तुम बेटा पास्ट को मेजर करो, अभी तक क्या हुआ है उसको मेजर करो। दोस्तों मैं पता है एक चीज़ पढ़ाती हूँ, फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिकली जब तुम सीए बन जाओगे तो सीए में इंटरमीडिएट करने के बाद जब तुम आर्टिकलशिप करते हो ना, तो ये सब चीज़ें तुम प्रैक्टिकली कर सकते हो। उसके लिए तुमको फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाई जाती है, लर्न करना होता है आपको। तो अकाउंटिंग का जो फंक्शन होता है वो होता है, देखो अकाउंटिंग तो प्योरली प्रैक्टिकल है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कोई काम नहीं चलेगा। तो अकाउंटिंग बोलती है कि सबसे पहले मुझे जो है अब तक जो हुआ उसको मेजर करना है, ठीक है। तो ये पहला फंक्शन है, पहला रोल है, काम है अकाउंटिंग का। ऑब्जेक्टिव अलग बात थी कि मेरा उद्देश्य क्या है, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए फंक्शंस क्या लगेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव है आपका अकाउंट्स का, फ्यूचर को फोरकास्ट करना, फ्यूचर को फोरकास्ट करना, ठीक है। ओके, नाउ फ्यूचर को फोरकास्ट करने के बाद हम लोग आगे जाते हैं। इन सबको करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, अकाउंटिंग का ही फंक्शन है इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। ये किस लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, आप दो कंपनी के अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि आप अपने आप को भी कंपेयर कर सकते हैं खुद से और अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बजट बनाया था और आज वो एक्चुअल में कितना अचीव हुआ, तो कंपेरिजन विद द टारगेट, ये भी हेल्प करता है, फंक्शन होता है अकाउंटिंग का। उसके बाद हम लोग अल्टीमेटली कंट्रोल कर सकते हैं कि वीकनेस क्या है, फीडबैक लेकर कह सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, बैलेंस शीट टैली नहीं की क्या, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग वीकनेस को। और आखिरी गवर्नमेंट को काफी हेल्प करती है हमारी अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का एक रोल, एक फंक्शन होता है कि गवर्नमेंट को सही सही इंफॉर्मेशन देना, वहां तक सही सही टैक्स के बारे में जानकारी देना। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के, बुक कीपिंग की। बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सेम होता है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है, राइट। तो बुक कीपिंग का मतलब बेसिकली होता है, बुक कीपिंग जहां पे खत्म होती है ना वहां पे अकाउंटिंग शुरू होती है। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है कि फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करना, और उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग का मतलब अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स भी होता है। आप पहले तो पता तो करो कि ट्रांजैक्शन क्या है, इवेंट क्या है,
ये सब करने के बाद बेसिकली जो एसेंशियल आइडिया है बुक कीपिंग का वो ये है कि हम अल्टीमेटली बैलेंस शीट बना सकें, पीएल बना सकें, हमको करेक्ट पोजीशन पता चल सके कितना प्रॉफिट कितना लॉस हमारा हुआ है। आइए जी नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होती है अब वो लीगलाइज हो चुका है, चाहे आप कंपनी में हो, चाहे आप प्रोप्राइटर में हो, चाहे आप बैंक कंपनी हो, चाहे आप इंश्योरेंस कंपनी हो, आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना अब मैंडेटरी हो गया है। ये जो है आप बहुत टाइम से मैंडेटरी है यार एक्चुअली। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि बस एक सोल प्रोप्राइटरशिप है और एक आपका पार्टनरशिप फॉर्म है जहां पे कोई फॉर्मेट नहीं दिया है, वरना कंपनी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी हो गया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सब में अपने अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। अब हम लोग बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का और बेसिकली बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, बच्चों को इसका बहुत ही डाउट लगता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग का मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ कंप्लीट ट्रांजैक्शंस और दूसरा सबको पता है कि फाइनेंशियल इफेक्ट को पता करना, यही चीज़ अकाउंटिंग में आ जाती है। तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड करना तो है और बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग करना भी है। तो हम लोग बात करते हैं कि अकाउंटिंग जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें एक छोटा सा पार्ट बुक कीपिंग होता है। तो देखो इसको याद रखना, अकाउंटेंसी ना, अकाउंटेंसी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट, उसमें अकाउंटिंग एक छोटी पार्ट है जो हम लोगों ने ऊपर देख लिया, उसमें भी बुक कीपिंग एक छोटा पार्ट है। सो अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। देखिए अब हम लोग बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस समझते हैं। तो बुक कीपिंग जो होता है उसका मतलब होता है कि मतलब बेसिकली रिकॉर्डिंग करना और फिर रिकॉर्डिंग के बाद उसको समराइज करना, यूज करना, वो अकाउंटिंग में आता है। तो बेस बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग होता है और जो लैंग्वेज होती है वो अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग में कभी नहीं आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके अकाउंटिंग में आते हैं। जो मैनेजमेंट डिसीजन होते हैं वो सिर्फ बुक कीपिंग के हेल्प से नहीं हो सकते, वो कभी नहीं देख पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, फेंक देंगे उठा के। अकाउंटिंग के हेल्प से फाइनल आंसर्स मिलते हैं और मैनेजमेंट इसको यूज करता है। नाउ बुककीपिंग के कोई और सब पार्ट नहीं है, अकाउंटिंग के बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, ठीक है। नाउ मतलब बेसिकली मतलब फील्ड्स, उसकी बात अभी हम करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इंटरनल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बुककीपिंग में ऐसा कुछ नहीं है। बुककीपिंग बहुत ही सिंपल है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो बुककीपिंग से कभी नहीं पता चल सकती, वो सिर्फ अकाउंटिंग से पता चलती है। तो ये थे हमारे बेसिक डिफरेंसेस। अब हम लोग बात करते हैं आपके सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग की। तो मैंने कैसे याद करवाया है भैया, FMC SR HR। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब कुछ नहीं होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना और उसके रिजल्ट्स को यूजर्स को कम्युनिकेट करना। नाउ ये हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, याद रखिएगा, दिस इज हिस्टोरिकल इन नेचर। व्हाई? बिकॉज जो हो चुका है उसके बेसिस पे ही हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है पीएल और बैलेंस शीट को बनाना, जिससे कि नेट रिजल्ट हमको पता चलता है और नेट रिजल्ट के साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। तो नेट रिजल्ट पीएल से आता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट से आती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ सेकंड है आपकी सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, एफ हो गया, फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि ये जो ऊपर हुआ उसके हेल्प से हम लोग एक इंटरनल रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। जो ये रिपोर्ट्स का जो यूज होता है, इसमें पता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक और चीज आती है जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आप लोग सीए इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले हो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग आती है। नाउ जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम मैनेजमेंट इंटरनल डिसीजंस ले सके, डिसीजन मेकिंग ले सके, इसके लिए हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। और बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो, इसका जो पूरा का पूरा उद्देश्य होता है वो ये होता है कि मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग में क्या यूज होता है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है। सो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजर्स इज विद द हेल्प ऑफ इंटरनल रिपोर्ट्स एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। याद रखिएगा, ये आप लोग सीए में आगे पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ अगेन आपका एफएमसी बोल दिया, FMC, तो M में मैंने ये चीज किया हुआ है, M में मैंने ऐसे किया हुआ है। FM और M का एक पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपने यहां पे पढ़ा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है बेसिकली आप ना कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स जो इंस्टीट्यूट है, AICPA नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। तो CMA बोल दो, CWA बोल लो, ये लोग क्या बोलते हैं कि बेसिकली इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करिए और बेसिकली आप पीरियोडिकल रिपोर्ट बनाइए कि इस सामान का, फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर बना रही हूं, तो कैलकुलेटर की टोटल कॉस्ट कितनी है, कैलकुलेटर की कॉस्ट कैसे कंट्रोल की जा सकती है। तो ये सब भी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही मिलता है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आप लोगों ने चीज़ों को बुक कीपिंग करना शुरू किया, उसको जो है हिस्ट्री में क्या डेटा मिला हमको, इसका रॉ मटेरियल कितना लगा, हिस्ट्री में इसको बनाने में कितना लेबर कॉस्ट लगा, वो सब चीज़ें हम लोग एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और उससे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ऊपर बोला था मैंने, SR और HR बचा हुआ है सब फील्ड में। तो SR बोलता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और HR बोलता है ह्यूमन
रिसोर्स. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलती है कि भैया इतने सारे तुम लोग अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट बना रहे हो, पोल्यूशन कर रहे हो, इन सब की भी तो कुछ अकाउंटिंग करो. तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर तुमने एक्सपेंसेस क्रिएट किए हैं ऑन द तुम एक सोसाइटी के लिए एक्सपेंसेस क्रिएट कर रहे हो, सोसाइटी के लिए हार्म क्रिएट कर रहे हो, तो तुम्हारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी करो. और इसका एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, आपको पता होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. CSR बोलता है कि हर एक बड़ी कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का 2% सोसाइटी को देना पड़ेगा. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब होता है कि ये अभी डिमांड है, ये भी हुआ नहीं है. नेक्स्ट, कि ऐसी भी एक रिपोर्ट बननी चाहिए कि पैसा तो छोड़ो, आप सोसाइटी से क्या ले रहे हो, उनका क्या दे रहे हो उनको. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब होता है कि यार जो बेसिकली प्रेजेंटली अकाउंट नहीं हो रहे हैं, जो आजकल अभी अकाउंट नहीं हो रहे हैं, आपके कंपनी में एक मैनेजर है, उसकी सैलरी 1,00,000 रुपए महीने की है, वो आप लोग तो अपने PL में डाल दे रहे हो, लेकिन कल को वो मैनेजर तुम्हारे कंपनी का दायां हाथ है, वो अगर चला जाएगा तो क्या होगा. तो आप ह्यूमन रिसोर्सिंग अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आप आइडेंटिफाई करें, क्वांटिफाई करें मॉनेटरी फॉर्म्स में, और रिपोर्ट करें उन लोगों को, उनकी वैल्यू को, जो कि आपके लिए बहुत एक असेट की तरह है. लेकिन ये अभी होता नहीं है, प्रेजेंटली अकाउंट नहीं हो रहा है, हमारी कन्वेंशनल प्रैक्टिस ही चल रही है, ऐसा होगा भी नहीं. नेक्स्ट, क्योंकि ऐसा इंडेक्स में भी मेरे ख्याल से नहीं आया हुआ है. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यूजर्स. कौन कौन यूजर्स है भैया, आइए देखते हैं. तो इसको भी मैंने आपको याद कराने के लिए एक आपका फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, एक ग्राफ बनाया हुआ है. देखो, सबसे पहले हमारे आते हैं बिजनेस. बिजनेस में हमारे इंप्लॉयज हो गए और हमारे मैनेजमेंट हो गए, वो यूज करते हैं. मैम, इंप्लॉय क्यों यूज करेगा? बेसिकली इंप्लॉय डिसीजन मेकिंग में काम नहीं करता है. इंप्लॉय तो अपना काम करता है, सैलरी लेता है, चला जाता है. लेकिन इंप्लॉय भी बिजनेस में आने के पहले बिजनेस को देखता है, एक स्मार्ट एम्प्लॉय. तो मैंने उसको यहां पे लिख दिया कि बिजनेस में अपने इंप्लॉय और अपने मैनेजमेंट जो होती हैं वो यूज करती हैं. नेक्स्ट, थोड़ा सा बाहर गए तो बाहर कौन मिला हमको? क्रेडिटर्स मिले, सप्लायर्स मिला, लेंडर मिला, कस्टमर मिला. ये सभी लोग जो है इंटरनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, ये सभी लोग जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं. उसके और आगे हम लोग गए तो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, लेंडर्स हैं, पब्लिक है, ये सारे लोग आ गए. फिर उसके और आगे गए तो सरकार आ गई, गवर्नमेंट आ गई, जो कि यूज़र होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की. बहुत ही सिंपल है, बस याद रखिएगा, इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं. ये लोग अपने लोग होते हैं, बाकी लोग बाहर के होते हैं. आई थिंक इसमें मुझे कुछ भी डीप में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से पढ़ लेंगे. आइए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन. तो बेटा डिसिप्लिन्स का मतलब होता है विद अदर सब्जेक्ट्स. तो याद रखिएगा, ये जो अकाउंटिंग है इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हर जगह पे इसके फ्रेंड्स हैं. ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो आपका स्टैट्स हो, चाहे वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, मैथ्स हो, फिर उसके बाद इनफैक्ट लॉ का और मैनेजमेंट का, हर जगह ये यूज़ करते हैं. देखो, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें पढ़ने लायक नहीं है, इसमें से क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं आते हैं. मैं कहूँगी कि आप इसको एक बार रीड थ्रू कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप डिस्कशन फोरम पे डाल सकते हैं. सो बेसिकली इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, हम सबको पता है कि इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, आप लोग खुद ही पढ़ते हो लॉ अपने CA फाउंडेशन में, तो इकोनॉमिक्स का मतलब सिंपली होता है कि स्केयर्स रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन. यही होता है स्केयर्स रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन जो होता है, वो इकोनॉमिक्स की स्टडी है. अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रॉपर डेटा प्रोवाइड करना इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स के लिए. तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग और जो देखो वहाँ पे भी इकोनॉमिक्स में क्या है कि हम स्केयर्स रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करें जिससे कि मतलब एक डिसीजन ले पाएं, और अकाउंटिंग में डिसीजन है, तो कहीं ना कहीं एक ओवरलैप है. तो भाई हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अकाउंटिंग ना अकेले नहीं चलता है, अकाउंटिंग सब कुछ देखता है. अब खुद सोचो, मैथ्स स्टैट्स नहीं होगा तो अकाउंटिंग हो पाएगी? अगर लॉ नहीं होंगे, नियम नहीं होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होंगे, इंडेक्स नहीं होंगे, तो क्या अकाउंटिंग काम कर पाएगा? तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ने वाले हैं कि एक अकाउंटेंट जो होता है उसको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए सारे के सारे रिलेटेड स्टडीज के, रिलेटेड डिसिप्लिन के, वरना काम नहीं बन पाएगा. ये सभी लोग ओवरलैप करते हैं. सबसे पहला हो गया आपका इकोनॉमिक्स. फिर उसके बाद यहां पे एक बात रखिएगा कि एक और डिफरेंस भी है, यहां पे मैंने आपके लिए हाईलाइट किया जो इंपॉर्टेंट है. देखो, जो इकोनॉमिस्ट होता है और जो अकाउंटेंट होता है वो चीजों को अलग अलग तरीके से देखता है. अकाउंटेंट कहता है कि ये मेरा सम्मान लेते हैं कि मशीन है, ये मशीन 1,00,000 रुपए की आएगी तो मैं इसको बैलेंस शीट पे 1,00,000 रुपए का दिखाऊंगा. ठीक है, इकोनॉमिक बोलता है, इकोनॉमिस्ट बोलता है कि भैया भाड़ में जाइए, 1,00,000 रुपए का है, लेकिन अब ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरे को आगे आने वाले 5 साल में सिर्फ 10,000 रुपए कमा के देगा, 10,000 हर साल, तो इसकी वैल्यू 50,000 रुपए से कुछ ज्यादा नहीं है. तो एक अकाउंटेंट और एक इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिस्ट जो होता है वो चीजों को दूसरी तरीके से देखता है. तो डिफरेंसेस भी है और ओवरलैप भी है. ठीक है, तो यहां पर क्या रिश्ता है, क्या नेक्सस है बेसिकली अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स के बीच में, उसको आपको देखना है. सो बेसिकली इकोनॉमिक्स जो होता है हर चीज का पास्ट नहीं देखता है, अकाउंटेंट पास्ट देखता है. तभी तो आज की डेट में हम लोग बैलेंस शीट को लैंड को 1 करोड़ का ही दिखा रहे हैं, हो सकता है वो लैंड जो है 50 करोड़ का हो चुका हो. तो जो अकाउंटेंट होता है वो पास्ट का देखता है, जो इकोनॉमिस्ट होता है वो फ्यूचर अर्निंग्स देखता है. आप लोग अभी आज ही में मेरे से एक पॉइंट पढ़ोगे, वैल्यूएशन, एकदम लास्ट का टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 1 में. तो वैल्यूएशन में एक वैल्यूएशन मेथड होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. तो वही बात कर रहा है कि जो इकोनॉमिस्ट होता है वो आगे आने वाले फ्यूचर अर्निंग्स का प्रेजेंट वैल्यू देखता है.
आइए हम लोग बात करें बच्चों अकाउंटिंग और स्टैट्स की। तो स्टैट्स बहुत ही सिंपल है यार, इसको प्लीज पढ़ लेना। बेसिकली हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम देखते हैं कि प्रोराटा देखते हैं। खुद सोचो ना, स्टैट्स जब तक नहीं होगा, मैथ्स जब तक नहीं होगा, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से रिलेशनशिप कैसे निकलेगा? और आप अकाउंटिंग में कितने सारे गणित यूज करते हो। सो बेसिकली वही बात है कि हम लोग इंडिविजुअल इसका 10 रुपये हुआ, उसका 50 रुपये हुआ, तो जब हम लोग सम मल्टीप्लाई ये सब नहीं यूज़ करेंगे तो कैसी चीज़ें बनेगी। टुगेदर विद दैट हम लोग स्टैट्स भी बहुत यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपके रेशियोज आते हैं, तो आपको पता है कि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो इंटरप्रिटेशन भी होता है, तो वहाँ पे भी स्टैट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसको आप लोग एक बार गो थ्रू करिएगा, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको बस टिक करना, उसको रट लेना। नेक्स्ट हम लोग बात करें मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करें, तो जब तक मैथ्स का मतलब प्लस माइनस होता है, स्टैट्स का मतलब रेशियो एनालिसिस होता है, तो जब तक प्लस माइनस नहीं करोगे तो कैसे ट्रायल बैलेंस ट्राई करोगे, टैली करोगे, तुम कैसे जो है अमाउंट निकालोगे, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कैसे निकालोगे, तुम बैलेंस शीट को कैसे टैली करोगे, बताओ। तो आपका अरिथमेटिक का नॉलेज होना, मैथ्स का नॉलेज होना, ये सब अकाउंटिंग के कंप्यूटेशन के लिए। डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे तुमको पता नहीं होगा, WDV क्या होता है, तुम लोन का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैसे बनाओगे, इंटरेस्ट एनुटी कैसे निकालोगे, ये तो फंडामेंटल यूजेस हैं बेसिकली। तो मैथ्स जो है वो तो फंडामेंटल यूज है, और बेसिकली इन सभी का यूज जो है बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ही बहुत बड़ी बात इसमें कुछ नहीं है, और इसमें से क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं। सो नॉलेज ऑफ मैथ्स, अलजेब्रा, स्टैट्स इज नेसेसरी फॉर डूइंग अकाउंटिंग। एक अकाउंटेंट जिसको मैथमेटिक्स ही नहीं आता है, बहुत दिक्कत की बात है, तभी तो आप लोग CA फाउंडेशन में मैथ्स पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। अकाउंटिंग और लॉ की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसको हम लोग रीड थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। ओके तो आपको मेन याद रखना है यार, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग का किस किस के साथ रिलेशनशिप है। लॉ हो गया, स्टैट्स हो गया, मैथ्स हो गया, फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, फिर उसके बाद फाइनली आपका मैनेजमेंट हो गया। तो लॉ की अगर हम बात करें, तो हर एक एंटिटी जो होती है वो अपने लीगल दरिये में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी है वो MCA और कंपनीज एक्ट के लीगल मतलब एक सर्कमफ्रेंस में काम कर रही है। सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो अलग काम कर रहा होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपने लॉ के कानून के अंदर काम कर रही होती है। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत सारे कानून होते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब एक एंटिटी होती है वो बहुत सारे कानून से कंट्रोल्ड होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट में आपका कंपनी क्रिएटेड है। अब क्या होता है कि इन सभी कंट्री एक फॉर एग्जाम्पल हर एक कंट्री के अपने कुछ इकोनॉमिक फिस्कल लेवल लॉज होते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन और जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो हमेशा उस लॉ से नियम से चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो इकोनॉमिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे नंबर्स तो आप ऐड करते हो लेकिन वो लॉ से भी चल रहा है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं से हम ये बोल सकते हैं कि जो लॉ है, कानून है, कानून बोल रहा है कि अगर आपके डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं वो कंपनी एक्ट में लिखे हुए हैं कि 25% से ऊपर AC के लिए नहीं हो सकते, तो आप उसको 50% अकाउंट्स में नहीं लगा सकते। तो आपको हर चीज़ के नियम कानून भी पता होने चाहिए। तो जो लीगल डिस्क्रिप्शन है वो आपके अकाउंटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, ठीक है। तो जो लॉ के डेवलपमेंट्स हैं, तो लॉ ने जो बोल दिया कि लॉ ने एक नई सीरीज निकाल दी कि डेप्रिसिएशन का परसेंटेज ये होगा, उसको आपको अकाउंट्स में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग और लॉ एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। ओके नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट का मतलब किसी के क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है, देखो यार जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो मैनेजमेंट टीम में एक बहुत ही की रोल पे होते हैं, ठीक है। आप सबको पता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो मेन रोल होता है वो मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग होता है। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो डेटा सोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, और डेटा सोर्सेज क्या होते हैं, अकाउंटिंग डेटा होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा मैनेजमेंट में एक ऐसा बंदा जो सिर्फ मैनेजमेंट नहीं जानता, जो कि सिर्फ डिसीजन मेकिंग नहीं जानता, वो अकाउंट्स को भी अच्छे से समझता है, उसको ज़्यादा सैलरी दी जाएगी। यानी कि एक अकाउंटेंट होता है वो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। वो समझ पाएगा कि किस चीज़ का इनपुट कहाँ से आया है, वो बस ये नहीं देख रहा है कि इंटरप्रेट कर ले और निकल ले। एक मैनेजर को अकाउंटिंग भी आती है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट। आइए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या होती हैं, इसको अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अकाउंटिंग की लिमिटेशंस देखेंगे, फिर एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि एक अकाउंटेंट का, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल होता है सोसाइटी में। ओके सो नेक्स्ट अप वी हैव लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। चलिए जी, सबसे पहली जो हमारी कॉन्स्ट्रेंट है, लिमिटेशंस का मतलब इम्पेडिमेंट्स, यानी कि क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, क्या रुकावटें हैं, क्या सही नहीं है अकाउंटिंग में बेसिकली। तो देखिए ये जितने भी हम लोग PL के बैलेंस शीट के जो आइटम्स लेकर के आते हैं, जो आंसर्स लेकर के आते हैं, ये बहुत सारे एजम्पशंस कन्वेंशंस के बेसिस पे निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी पर्सनल जजमेंट्स होती हैं कि यार मैं ये असेट लेकर के आई हूँ 10 लाख रुपये का, ये कितने साल चलेगा, इस पर डेप्रिसिएशन रेट कितना होगा, हम WDV लगाएंगे कि क्या लगाएंगे, हम इन्वेंटरी के लिए FIFO लगाएंगे, वेटेड लगाएंगे, LIFO लगाएंगे, क्या लगाएंगे, समझ रहे हो। तो बहुत सारे पर्सनल
जजमेंट्स होते हैं मैनेजमेंट के, जिसकी वजह से जो अकाउंटिंग के आंसर्स आते हैं पीएल बैलेंस शीट के, उसमें बहुत सारे पर्सनल जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो 100% ट्रू नहीं होता, 100% वही सत्य नहीं होता है। तो ये पहली लिमिटेशन है। आइए बात करते हैं सबसे पहले लिमिटेशन की। अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऐसे रेलेवेंट फैक्टर्स होते हैं जो अकाउंट्स में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो मनी टर्म्स में जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड फाइनेंशियल इवेंट्स नहीं होते हैं, वो मनी टर्म्स में नहीं होते हैं, और ये एक बैलेंस शीट जो है 100% सही नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, एक अच्छा एम्प्लॉई है आपके पास और उसकी लॉयल्टी स्किल जो है आपको आगे आने वाले साल में बहुत सारी गुडविल जनरेट करके देगी, बहुत सारी सेल्स जनरेट करके देगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक, मुझे नहीं लगता है, आपकी बुक कह रही है कि ये जो है आपका मॉनिटरी टर्म्स में ना आना बहुत ही गलत बात है। नंबर टू की अगर हम लोग बात करें तो ये जो बैलेंस शीट होती है वो इस पर्टिकुलर डेट पे बनी हुई होती है और वो पास्ट को रिफ्लेक्ट करती है, बैलेंस शीट को फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो ये सबसे गलत बात सेकंड है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि बेसिकली बहुत सारी चीजों में इन्फ्लेशन आता है। फॉर एग्जांपल, हम जब बैलेंस शीट बना रहे हैं तब जो है उस वक्त बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारा असेट हो गया, असेट में चेंजेस आ गए। लेट्स सपोज हम लोग बात कर रहे हैं, मेरी बात समझिएगा एक चीज, कि असेट की वैल्यू में इन्फ्लेशन आ गया, हम लोग तो ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। नंबर टू, रॉ मटेरियल को जो है आप रिकॉर्ड कर रहे हो, लेट्स सपोज आपने रॉ मटेरियल खरीद लिए 10 लाख रुपए के, और आप 10 लाख रुपए को रॉ मटेरियल को अभी भी यूज करेंगे, अगले साल भी यूज करेंगे, उसके अगले साल भी यूज करेंगे, लेकिन आप लोग इसको कितना माइनस करेंगे, मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से जितने का रेवेन्यू कमाया उतने के आप एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। लेकिन आप खुद सोचो कि आपका ये 10 लाख रुपए का आ तो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर, बेसिकली कहने का मतलब है कि आगे आने वाले सालों में जिसकी अकाउंटिंग आप कर रहे हैं वो इन्फ्लेटेड वैल्यू आई, तो ये आपने यहाँ पे अकाउंट फॉर नहीं किया। सो बेसिकली जो इन्फ्लेशन होता है उसको हम लोग अपने अकाउंट्स में इग्नोर कर देते हैं, जो कि अगेन बहुत ज्यादा गलत है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जिसको आप पढ़ने वाले हो मुझसे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, एस्टिमेट्स, ये पढ़ोगे तो बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपस में कन्फ्लिक्टिंग नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तरफ बोलता है गोइंग कंसर्न और दूसरी तरफ क्या बोलता है, एक तरफ बोलता है गोइंग कंसर्न कि भैया जिंदगी में चलती जाएगी, बिजनेस चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। तो भाई ऐसा है, अगर ऐसा है तो तुम कंटिंजेंट लाइबिलिटीज को, ठीक है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी को, या फिर मान लेते हैं कि जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं उसको सुपर लॉन्ग टर्म क्यों नहीं बना रहे हो। ये सब हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर एक तरफ आप बोल रहे हो कि आपका जो बिजनेस है चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है, तो इस चलते जाने की वजह से आप जो है असेट को बोल लो, या फिर कोई एम्प्लॉई को बोल लो, उसके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को अकाउंट फॉर क्यों नहीं करते हो। तो यहाँ पे बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपस में ही बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होता है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब होता है कुछ ऐसी लाइबिलिटी जिसको आज आप एक नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन का प्रोविजन, बैड डेट का प्रोविजन, तो प्रोविजन बैड डेट पता थोड़ी ना है कि, ये पता है कि हो जाएगा, हर साल होता है, इस साल भी होगा, लेकिन वो कितना होगा ये नहीं पता, तो यहाँ पे जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों ह्यूमन रिसोर्सेज की, अगेन वो चीज़ें जिनका ह्यूमन नेचर है, जिनका मॉनेटरी फॉर्म नहीं है, उसको हम लोग लेकर के नहीं आ सकते हैं बैलेंस शीट में, ये भी गलत है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ, कभी कभी ना सेम चीज़ के लिए डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, बहुत सारे लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन बेसिकली एक ही चीज़ का बहुत सारा, फॉर एग्जाम्पल लीफो, फीफो सब यूज़ कर सकते हो, कभी कुछ यूज़ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन करने के प्रॉब्लम्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर लीफो यूज़ करो तो तुमको लीफो ही यूज़ करना है, अगर तुम फीफो यूज़ करो तो तुमको फीफो यूज़ करना है, लेकिन वहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि आप बेटर प्रेजेंटेशन के लिए अपने अकाउंटिंग इनको कन्वेंशन अकाउंटिंग मेथड्स को चेंज कर सकते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे मैनिपुलेशन हो जाए, आप मैनिपुलेट करके चीज़ों को गलत दिखा सकते हो, तो यही तो होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों रोल ऑफ अकाउंटेंट इन सोसाइटी की, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसके बहुत सारे रोल्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद की प्रैक्टिस भी खोल सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस भी कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है पढ़ा भी सकता है फॉर एग्जांपल में। तो आइए हम लोग बात करते हैं एक अकाउंटेंट का रोल क्या है, सर्विस क्या देता है। तो सबसे पहले बात करें तो अकाउंटेंट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है, अकाउंटेंट जो होता है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है, तो स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ, और लॉ का ऑडिट का मतलब होता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी लिमिटेड कंपनीज होती हैं, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करना होता है, वो बाहर से आता है और वो देखता है कि क्या आपने जो टैक्स पेबल दिखाया है वो बिल्कुल सही है, वो पूरा चिट्ठा खोलता है आपका और एक एक चीज, उसके जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी आप लोग करोगे, उसकी एक एक चीज खोल करके देखता है और देखता है कि मेरे ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं, जो आपने दिखाया वो सच है कि नहीं। तो ये लॉ बोलता है कि आपको करवाना ही पड़ेगा ऑडिट, तो यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हायर होते हैं, ठीक है, तो लॉ रिक्वायर करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं
इंटरनल ऑडिट की. तो इंटरनल ऑडिट में कोई लॉ डिफाइन नहीं करता है, लेकिन लेट्स सपोज कि आप ना अपने डिसीजन मेकिंग को, अपनी अकाउंटिंग को जानना चाहते हो कि सही है कि नहीं है, तो आपने अपना एक इंटरनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया जो इंटरनली आपके अकाउंटिंग सिस्टम को देखेगा कि फेयर है कि नहीं, सही है कि नहीं, कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, जो सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल सही है कि नहीं, अथॉरिटी के हिसाब से हो रहा है, सेफ गार्ड हो रही है कि नहीं, किसी चीज़ का एम्बेजलमेंट तो नहीं हो रहा. ये आपका अपना बंदा होता है, इंटरनल मैनेजमेंट टूल होता है चेकिंग करने का कि कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है और समय रहते चीज़ें सही हो जाए. ठीक है, तो ये एक सर्विस टू मैनेजमेंट है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सुधारने के लिए. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका जो सीए होता है वो टैक्सेशन में भी होता है. फॉर एग्जांपल आप अगर एक सीए, वो तो आप लोग जानते ही हो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करता है, आपका टैक्स ऑडिट करता है, आपके टैक्स ऑडिट में कुछ दिक्कत आ गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सीबीडीटी से आपको नोटिस आ गई, तो वहां पे वो टैक्सेशन एज अ टैक्सेशन मेंबर, एज अ सीए वो आपको रिप्रेजेंट करता है वहां पे जाकर के, आपके टैक्स बर्डन को रिड्यूस करने की हेल्प करता है, घपला नहीं प्लानिंग करने में हेल्प करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है बड़े बड़े ऑफिसर्स के सामने आपके बिजनेस कोर्स के लिए, वो फीस लेता है. नेक्स्ट हम लोग बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कंसल्टेंसी सर्विसेज की. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब बेसिकली होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक पार्ट कॉस्ट अकाउंटिंग भी आता है. तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इंटरनल रिपोर्टिंग, फॉर एग्जांपल आपने एक सीए को हायर किया और आपने अकाउंटिंग किसी और से करवाई, आपने सीए को हायर किया, उसको रिपोर्ट दी और आपने बोला कि प्लीज़ हमें बताइए कि आप बताइए कि हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या गड़बड़ी है, आप बताइए हमारे मैनेजमेंट में क्या गलती है, आप हमको कंसल्टेंसी दीजिए, आप बताइए कि हमको जो अपनी कंपनी को, छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट में कन्वर्ट करना है, आप बताइए हमको अपनी कंपनी की प्लानिंग कैसे करनी है, कॉर्पोरेट प्लानिंग कैसे करनी है, हमें नए इन्वेस्टमेंट्स कैसे करने हैं, हमें वेंचर कैपिटल से पैसे कैसे उठाने हैं, हमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करवाना है. तो ये सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है एक सीए देता है. नेक्स्ट हम लोग बात करें फाइनेंस एडवाइजरी की. तो आप सबको पता है कि जो सीएस होते हैं वो इंश्योरेंस में होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स में होते हैं, म्यूचुअल फंड में होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में होते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन में होते हैं, वीसी में होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस में होते हैं. तो ये फाइनेंशियल एडवाइस सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस को नहीं लेकिन फैमिलीज को भी देते हैं, हाई नेट इंडिविजुअल्स को भी देते हैं. फॉर एग्जांपल मेरा काम भी एक दूसरा सीए संभालता है, तो इन्वेस्टमेंट्स की एडवाइस देना, फैमिली प्रॉब्लम्स की एडवाइस देना, टैक्सेशन की एडवाइस देना, बिजनेस को बड़ा करना है उसकी एडवाइस देना, इन्वेस्टिगेशन. तो इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है कि मान लेते हैं कि आपको पता करना है कि यार मैं एक धंधा शुरू कर रही हूं या फिर मैं बहुत वक्त से एक धंधा चला रही हूं और मैं एक माइक बनाती हूँ, तो माइक का जो मैग्नेट है वो बहुत महंगा आता है, इसको मुझे इंपोर्ट करना चाहिए या फिर मुझे एक नए प्लांट में इसको जो है बनाना चाहिए, मुझे इंपोर्ट करना चाहिए या फिर मुझे एक अपने नए प्लांट में इसको बनाना चाहिए. तो ये सब इन्वेस्टिगेशन होता है, व्हाट इज बेटर फॉर मी, व्हाट कॉस्टिंग विल गिव मी लेस कॉस्ट. तो ये भी आपको सीए जिसने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होती है वो आपको हेल्प करता है. आपके प्रॉफिट्स पिछले साल से इतने अच्छे थे, अचानक से वो डाउन क्यों गए, तो ये सब करने में आपका इन्वेस्टिगेशन में भी सीए हेल्प करता है. नेक्स्ट हम लोग बात करें पेंशन स्कीम्स में भी. सो बेसिकली एक कंपनी में एक सीए जिसमें 500 एम्प्लॉयज़ हैं, उस 500 एम्प्लॉयज़ की पेंशन स्कीम कैसी होनी चाहिए, ग्रेच्युटी कैसी होनी चाहिए, उन सब के लिए वो एक सीए हायर कर लेते हैं, वो सीए की पूरी टीम होती है वो उसको ध्यान रखती है. तो इस सारे चीज़ों के लिए, प्लानिंग के लिए भी सीए काम कर सकता है. अदर सर्विसेज की बात करें तो अदर सर्विसेज की हम लोग बात करें जो ऊपर कवर नहीं हुआ है, ये आपको इसके वर्ड्स याद करने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल सेक्रेटेरियल वर्क. तो सेक्रेटेरियल वर्क का मतलब होता है कि बेसिकली जैसे सीएस होते हैं ना, सीएस क्या काम करते हैं कि वो अकाउंटिंग नहीं करते हैं लेकिन मैनेजमेंट, लेकिन जो फॉर्म फाइलिंग हो गया, नाम लेना कंपनी का, डायरेक्टर्स का फॉर्म फाइल करना, एओए बनाना, एमओए बनाना, ये सब सेक्रेटेरियल वर्क होता है. तो ये सब काम कंपनीज का, क्लब्स का, एसोसिएशंस का, ठीक है, चैरिटेबल क्लब्स का, एंटिटीज का, ये सब सीए करते हैं, सेक्रेटेरियल वर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करें शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क. तो अक्सर शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क की बात करें, जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं वो मर्जर एक्विजिशन, शेयर अंडरराइटिंग, ये सब करवाते हैं, उसमें भी शेयर्स सीए जाते हैं. तो एक नई कंपनी का लिस्टिंग होने वाला है, तो लिस्टिंग के पहले जो है शेयर्स को किस तरीके से लिस्ट किया जाए उन सब का काम, देन कंपनी को फॉर्म करने का काम मैं खुद कर चुकी हूँ. देन एक होता है आपका रिसीवर और लिक्विडेटर. मैंने आपको बताया था कि एक बंदा जो है वो अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट जो है उस कंपनी के ऊपर एक धारा लगा देता है कि अब तुम कुछ काम नहीं कर सकते, तुम्हारा सारा का सारा असेट और लाइबिलिटी जो है एक लिक्विडेटर ले जाएगा, वो आगे देखेगा कि क्या करना है. तो उसको बोलते हैं रिसीवरशिप लिक्विडेटर. यहाँ पे भी सीएस होते हैं, उनको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, तो वो जो है ना रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स बन जाते हैं. यही नहीं, आर्बिट्रेशन की बात करें, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि ऐसे पैनल्स जहां पे कंपनीज की डिस्प्यूट सेटल होती हैं अलग अलग टाइप की, वहां पे भी सीए होते हैं. हो सकता है उन्होंने सीए प्लस लॉ कर लिया हो, तो वहां पे आर्बिट्रेटर्स हो गए. नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, मैंने कहा ना कि इंडिविजुअल चीज का कॉस्ट रिपोर्ट देना, ठीक है, तो कहने का मतलब एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का इसका कॉस्ट रिपोर्ट देना. मैं अलग अलग शहरों में इसको बना रही हूँ, इसकी मेरी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम भी सीए करते हैं. तो सीए का काम, सीएस का काम, सीडब्ल्यूए का काम, लॉयर का काम, सब लोग सीए कर सकते हैं, क्योंकि सीए सब कुछ पढ़ता है. नेक्स्ट है अकाउंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज. इन्फॉर्मेशन सर्विसेज का मतलब बेसिकली होता है कि आपकी जो
ही शुड डेवलप अ सिस्टम बाय विच देर इज रेगुलर फ्लो. तो कहने का मतलब ये बेसिकली ऐसा रोल है जहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली जा रही है कि नहीं इंप्लॉयज़ के पास और ऊपर अपर लेवल के पास. तो ये वाला काम मुझे ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन सर्विसेज वाला काम HR ज़्यादा अच्छे करते हैं या फिर MBA ज़्यादा अच्छे करते हैं, बट लिखा हुआ है तो आप लोग याद रखिएगा अकाउंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज. ठीक है, सो बेसिकली ये आपका रोल हो गया. नेक्स्ट हम लोग बात करें इंडस्ट्री में, तो ये आपकी सेल्स सर्विसेज हो गई. इंडस्ट्री की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आप कंपनी में एक मैनेजमेंट रोल में तो तुरंत नहीं जाते हैं एज अ CA, उसके लिए आपको CA, CFA, MBA करना पड़ता है. लेकिन हाँ, इंडस्ट्री में, हर एक इंडस्ट्री में एक FP&A डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट. उस डिपार्टमेंट में आप जो है CA बन करके, उस डिपार्टमेंट में आप एज अ प्लानर तो नहीं लेकिन एक फंक्शनल डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं. वहां पे आप बजट्स बनाएंगे, एस्टिमेट्स बनाएंगे, वहां पे आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, ये सब करेंगे. तो हाँ, आप एक CEO लेवल पे तुरंत नहीं जा सकते, प्लानर नहीं बन सकते, आप एक परफॉर्मर बन सकते हैं. ठीक है, तो आप वो उस बिजनेस को पढ़ते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं, ये सब करते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की. तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब बड़ी बड़ी, फॉर एग्जांपल आपका हो गया ONGC हो गई, आपकी गेल हो गई, आपकी सेल हो गई, सब बड़ी बड़ी जो PSEs होती हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं. वहाँ पे बजट बनाना, फाइनेंशियल कंट्रोल करना, वहाँ पे भी CAs जो है PSUs में काम करते हैं. देन उसके बाद यही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी कितने सारे CAs हैं, हम सबको पता है, जो आपकी फिस्कल पॉलिसीज और मॉनिटरी पॉलिसीज बना रहे हैं. तो उस लेवल पे भी जाकर के लोग काम करते हैं. ट्रेड, कॉमर्स, एक्सपोर्ट पॉलिसीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बनाना, इसमें CA का, ICAI का रोल होता है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में. तो आपको पता है कि मोदी जी भी कितना बोलते हैं कि एक CA का साइन कितना इंपॉर्टेंट है, एक CA का रोल कितना इंपॉर्टेंट है देश की तरक्की के लिए. तो CA की बहुत ज्यादा ड्यूटीज होती है कि भैया जो लोग हैं जो उनके पास आ रहे हैं वो टैक्स कंप्लायंसेस कर रहे हैं कि नहीं, वो गलत हरकत तो नहीं कर रहे हैं. तो इन सब में इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी होता है. ठीक है, आइए, तो ये वाली बात हम लोगों ने कर ली. अब हम लोग चल रहे हैं अपने यूनिट नंबर 2 में. आप देख रहे हो कितना ज़्यादा हो गया है, हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटे की बात कर चुके हैं. आई होप, रियली होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं. अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने यूनिट नंबर 2 की, जो कि है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस. नाउ याद रखिएगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस को यहाँ पे हम लोग एक जैसा ही ट्रीट कर रहे हैं. तो अकाउंटिंग CPC, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस एक तरफ होता है और आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट एक तरफ होता है. उसको अब हम लोग समझने वाले हैं और कितने टाइप के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स होते हैं उसको भी 1 by 1 हम लोग समझेंगे. ठीक है, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है और अब मैं आपको बताने वाली हूँ. देखिए, क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करेगी तो सारी प्रॉब्लम हो जाएगी. हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म बेसिस पे अकाउंटिंग होनी चाहिए. तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए गैप बना है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप बना है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि बहुत सारी बातें बताता है. उसको हम लोग को फॉलो करके, चाहे आप इंडिया में हो चाहे बाहर हो, आप जनरली, आप चाहे एक कंपनी में हो, आप दूसरी कंपनी में, आप छोटी कंपनी में, आप बड़ी कंपनी में, आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, आप कंपनी कर रहे हो, आप LLP कर रहे हो, आप एक तरीके से जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए. आप जो है दूध की फैक्ट्री है आपकी या फिर आपकी जूते की फैक्ट्री है, एक सेम होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज आप सबको पता है कि ये जो अकाउंटिंग अगर अलग अलग हो गई कि तो आप कभी भी किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते और सब कंफ्यूजन हो जाएगा. राइट, एक इन्वेस्टर है वो दो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, कंपेयर ही नहीं कर पाएगा. तो कंपेरिजन लेवल पे लाने के लिए, एट पार लाने के लिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं. ये गैप में आपके कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, AS होते हैं, INDAS होते हैं, उसके हम लोग बात करने वाले हैं. तो गैप क्या होता है? गैप बेसिकली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का एक बैकबोन है, ग्राउंड रूल्स की तरह काम करता है. और इसका एक और नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, सिंस माई तबियत इज नॉट राइट, तो मैं इसे सपोर्ट लेती हूँ. तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं इनको, ग्राउंड रूल्स भी कहते हैं. आइए अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहते हैं. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है, देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब वो assumptions जिसके बेसिस पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली अकाउंटिंग मेथड्स होते हैं, उन अकाउंटिंग मेथड्स को गवर्न करने वाले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो एक बेसिस फॉर्म करते हैं. ठीक है, इसके लिए अलग से कुछ नहीं आएगा. फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कुछ डॉक्ट्रीन्स, कुछ रूल्स. ठीक है, जो थ्योरी और प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से हैं, यानी कि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिनको हम लोग अपनी प्रैक्टिसेस में लेकर के आते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए? बोल रहा है कि रियल एजम्पशंस पे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, वो रिफ्लेक्ट करें फ्यूचर प्रेडिक्शंस को, ये सारी बातें. तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है, एकदम हेयर लाइन डिफरेंस है, और उसको हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में सेम यूज करेंगे. अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब हो गया, देखो कन्वेंशंस का मतलब होता है प्रथा. फॉर एग्जाम्पल देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबकी अपनी अपनी प्रथाएं चल रही हैं. सिंपली उसी तरीके से अकाउंटिंग की भी कुछ प्रथाएं चल रही हैं, कुछ ऐसे अकाउंटिंग पॉलिसीज का जन्म होना,
कुछ ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं, प्रैक्टिसेस का जन्म होना. पॉलिसी का तो मतलब होता है कि प्रिंसिपल्स जो बन रहे हैं, और प्रिंसिपल्स किसके बेसिस पे होते हैं, अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे अकाउंटिंग आपके प्रिंसिपल्स बनते हैं. और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स अलग हो गया. अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब हो गया कि जो चीज़ें हमेशा से होती आ रही हैं, यूसेज और प्रैक्टिस, उसके हिसाब से कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हम लोगों ने बनानी है. कुछ नए अकाउंटिंग कन्वेंशंस आ गए हैं, उसको ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं. आइए, तो हमारे स्टडी मैट में हमने तीनों को एक जैसा यूज़ किया है, इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ कर रहे हैं. तो आइए बात करते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस तो समझ लिए, लेकिन 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 ये होते कितने टाइप के हैं, तो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं. तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें अब देखने वाले हो, आपको मजा आने वाला है. ये इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर थ्योरी आ सकती है. ओके, चलिए. तो बेसिकली अब हम बहुत सारे तरीके की अकाउंटिंग अपने पॉलिसीज पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फीचर्स पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले हम लोग नीचे से शुरू करें क्या? नहीं, ऊपर से शुरू करते हैं. आई थिंक 10 to 11 है. आइए, आपको थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है लग रहा हो, बट आप समझ नहीं सकते कि मेरी क्या हालत हो रही है इस वक्त. ओके, सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नंबर वन की बात करते हैं. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नंबर वन बोलता है एंटिटी कॉन्सेप्ट. एंटिटी कॉन्सेप्ट सबको ही पता होता है. एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट बेसिकली ये बोलता है कि जो ओनर है और जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है, जो इन्वेस्टर है, जिसका पैसा लग रहा है, वो अलग अलग हो चुके हैं. ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, गवर्नेंस और उसको ही. लेकिन ये बात यहाँ एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होती. एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि एक बिजनेसमैन होता है. और जो मैंने अभी बताया, दैट वॉज मैंने रॉन्ग बोल दिया. मैंने सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम गवर्नेंस की बात कर दी. लेकिन अब जो मैं बोल रही हूँ, दैट इज एंटिटी कॉन्सेप्ट. इसका अकाउंट्स में यूज होता है. ये बोलता है कि तुम भले ही सोल प्रोप्राइटर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे बच्चों की फीस और तुम्हारे बंदों की सैलरी अलग अलग होती है. कहने का मतलब है कि आपको अपने आप को एज एन ओनर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. आप ओनर हो और बिजनेस हो, आप लोग अलग अलग हो. तो आप अपने अफेयर्स को बिजनेस के अफेयर्स से अलग रखें. फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ सामान लेकर के आ रहे हो बिजनेस के पैसे में से, तो आप अगर उस पैसे में से अपने पर्सनल सामान, पर्सनल असेट, पर्सनल मशीन खरीद रहे हो, तो आप उसको ड्रॉइंग की तरह यूज करो. जब हम ये कर लेते हैं, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है चीजों की. कहने का मतलब, हम तब क्या करते हैं कि अपनी बैलेंस शीट में असेट लिखते हैं और लाइबिलिटी लिखते हैं, और लाइबिलिटी में ओनर का पैसा भी आता है. जो ओनर ने अपना पैसा अपने बिजनेस में लगाया है, वो सेपरेट है, वो एक लाइबिलिटी है. बिजनेस को एक अलग इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है. बिजनेस को, ओनर को वो पैसा देना बाकी है. और इसी वजह से सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के चक्कर में ही आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी का पोर्शन आता है और लाइबिलिटी में कैपिटल का पोर्शन आता है. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि भैया, दुनिया भर के ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स ले लो, भले वो कितने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर उनका इकोनॉमिक सेंस नहीं है, अगर मनी में उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो जो है भले ही वो कितना भी इफेक्ट क्यों ना कर रहे हो बिजनेस को, फिर भी हम लोग उसको नहीं लेकर के आएंगे. तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि वो ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स जो कि मॉनेटरी फॉर्म में आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको ही बैलेंस शीट में, पीएल में लेकर के आया जाता है. और याद रखिएगा कि रूलिंग कंट्री के करेंसी में, फॉर एग्जाम्पल, जिस कंट्री का बिजनेस है, जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है, उस कंपनी की, उस कंट्री की रूलिंग करेंसी क्या है, उसमें ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, और बाकी सारों को उसमें एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट किया जाता है. और यहाँ पे एक बड़ा अच्छा शब्द है कि दिस कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इग्नोर्स दैट मनी इज एन इन इलास्टिक यार्डस्टिक फॉर मेजरमेंट. क्या बोला? कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इग्नोर्स दैट मनी इज इन इलास्टिक यार्डस्टिक फॉर मेजरमेंट, एज इट इज बेस्ड ऑन द इम्प्लिसिट अजम्पशन दैट परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट इंपॉर्टेंस. भैया, कहने का मतलब है कि आज तुम लोग 100,000 रुपए पे किसी चीज को शो कर रहे हो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, कल भी तुम उसको 100,000 देख रहे हो. हाँ, तुम एक बात भूल जाओ कि उस लैंड का जो वैल्यू है वो बढ़ गया, तुम उसको वो छोड़ दो. मान लो कि लैंड की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि जो लैंड की वैल्यू है वो बढ़ नहीं रही है. लेकिन दोस्तों, लेकिन आप एक बात बताइए मुझे कि जो 100,000 रुपए है, क्या 100,000 रुपए की वैल्यू कम नहीं हो रही है, डिस्काउंट नहीं हो रही है? तो यहाँ पे जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, वो इस बात को ध्यान ही नहीं रखता. वो बोलता है कि मनी जो है ना, इन इलास्टिक यार्डस्टिक है. मतलब मनी को हम लोगों ने एक स्केल, फॉर एग्जांपल, आप खुद सोचो कि आप सब्जी लेने जाते हो, आलू, मूली, गोभी, जो भी लेने जाते हो, बैंगन, और वहां पे वो जो बंदा है, वो 1 किलो 2 किलो का जो भार है उसको रखता है और फिर आपकी वेइंग करता है. अगर वो जो भार है वो ही चेंज होता रहे, तो क्या आपको सही दौल की सब्जी मिलेगी? बिल्कुल नहीं. तो जो मनी है, आप सबको पता है कि जो मनी की वैल्यू है वो खुद फ्लक्चुएट हो रही है, और यहाँ पे आप एक फ्लक्चुएटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे पूरी बैलेंस बना रहे हो, तो अगेन ये एक आपका डिफॉल्ट होता है, फॉल्ट होता है. नेक्स्ट, तीसरी हम लोग बात कर रहे हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट की. तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया, बिजनेस को, पहली बात तो हम लोग गोइंग कंसर्न मान रहे हैं, तो बिजनेस को हम लोग गोइंग कंसर्न मान रहे हैं, मतलब चलता रहेगा, दादा पोते सब लोग करते रहेंगे, तो क्या ऐसा करें कि बैलेंस शीट को भी तब बनाएंगे अल्टीमेटली जब बिजनेस बंद होगा.
तो पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो गोइंग कंसर्न है उसको मारो गोली, गोइंग कंसर्न को तुम आज एक लिमिटेड फ्रैक्शन में लेकर के चलो, वर्केबल फ्रैक्शन में। इनडेफिनेट लाइफ से हम कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे, हम लोग तो मर जाएंगे ना, हम तो इनडेफिनेट लाइफ के लिए है नहीं। तो एक डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड पे आओ, और जनरली उसको हम लोग वन फाइनेंशियल ईयर देते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च का। और पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि हम उस 1 अप्रैल से 31 मार्च की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, इसको बोलते हैं पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट। बेसिकली पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट जो है गोइंग कंसर्न एजम्पशन को एक वर्केबल फ्रैक्शन में लेकर के आता है, और उसके बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों कि इसी वजह से एक बात याद रखेगा कि पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट के चक्कर में ही जो आपका एक्रूवल का शब्द है वो आया है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने 1,00,000 रुपए दे दिए एक बंदे को रेंट के लिए, लेकिन इस साल का रेंट जो है वो सिर्फ 5 लाख रुपए था, तो आप 5 लाख रुपए को एज अ असेट दिखाते हैं। क्योंकि और सिमिलरली लेट सपोज कि आपने वर्केबल फ्रैक्शन दिखाया, आपने सैलरी नहीं दी हुई है इस साल की, तो इस साल की सैलरी नहीं दी हुई है, लेकिन पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि इस साल के रेवेन्यू और इस साल के एक्सपेंस इसी साल में आने चाहिए, चाहे कैश हो चाहे कैश ना गया हो, क्योंकि हम लोग एक्रूवल कॉन्सेप्ट मानते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट के चलते ही एक्रूवल जो है मीनिंगफुल होता है। पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट ही ना हो, 12 महीने ही ना हो, तो तुम 12 महीने में प्रीपेड एडवांस कहां से लेकर के आओगे। तो पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट किस चीज में हेल्प करता है? पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट बेसिकली एक पर्टिकुलर पीरियड का हमको रिजल्ट देता है। नंबर टू, वो कंपेयर करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी, कोई कंपनी अपने 12 महीने ले, कोई कंपनी 15 महीने ले, कंपेयर कैसे करोगे, तो कंपैरिजन करने में फैसिलिटेटेड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम खुद अपना करते हैं। 12 महीने का डेप्रिसिएशन हर साल का लगा रहे हैं। और नेक्स्ट तीसरा बहुत ही अच्छा इसका यूज है, वो है मैचिंग पीरियड, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट आप भी पढ़ोगे तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं कि जब हमारा फिक्स हो गया ना कि भैया 12 महीने का रिजल्ट चाहिए, तो 12 महीने का रेवेन्यू उसमें से 12 महीने का खर्चा माइनस करेंगे, एज सिंपल एज दैट। भले वो कैश गया हो ना गया हो, कैश आया हो ना आया हो, एक्रूवल कर देंगे, एडवांस कर देंगे, प्रीपेड कर देंगे, चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एक्रूअल कंसेप्ट की। एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि भैया हम लोग को कैश को मारो गोली, जो चीज इस साल की है वो इस साल में आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैश आया हो ना आया हो। तो हम लोग पीएल में सारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस लेकर के आएंगे इस साल के, अगर उसमें कुछ झोल है तो हम लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट क्रिएट कर लेंगे। ये होता है एक्रूअल कंसेप्ट, 12 महीने से आता है। ये सब बहुत ही हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट अगेन एक्रूअल बेसिस पे बेस्ड है। कह रहा है कि इस साल का जो तुमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, इसकी बात मैं करती हूँ एक मिनट में। ओके, सो नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की। मैचिंग कॉन्सेप्ट सिंपली ये कहता है कि यार पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट तुमने ले लिया है और तुमने एक वक्त के जो रेवेन्यू है उसको 12 महीने के पीरियड्स को रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब तुम उसी, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू को कमाने में जितने भी एक्सपेंसेस लगे हैं उसको तो मैच करो, और उस रेवेन्यू के मैच्ड एक्सपेंस को, वो रेवेन्यू को कमाने में जितने भी एक्सपेंस लगे, चाहे वो इस पीरियड के हों, अगले पीरियड के हों, वो इस बार कैश में गए हो नॉन कैश में गए हो, उसको आप लोग अकाउंट फॉर करिए। और दूसरी बात मैचिंग कॉन्सेप्ट में बेसिकली ये होती है कि 12 महीने के रेवेन्यू आए हैं तो उस पीरियड के बेस्ड ऑन दैट एक्रूअल पीरियड के एक्सपेंसेस आप मैच करिए, राइट। तो कहने का मतलब है कि आपने जिस वक्त के रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किए हैं उस वक्त के आप लोगों को एक्सपेंसेस भी माइनस करने पड़ेंगे, तभी पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही प्रॉफिट लॉस आएगा, ठीक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट भी अगेन एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और इस वजह से हम जानते हैं कि एक्रूअल और मैचिंग प्रिंसिपल के चक्कर में ही बहुत सारे नए एडजस्टमेंट्स का जन्म होता है। फॉर एग्जांपल एक्रूअल, प्रीपेड, एडवांस एटसेट्रा, बहुत ही बेसिक सी बात है। तो ये सब हम लोगों ने देख ही लिया था। नेक्स्ट हम लोग बात करें एफ में, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन कहता है कि हमारे पास जो भी आज असेट्स हैं, जो भी आज लायबिलिटीज हैं, हम धंधे को कल बंद नहीं कर रहे हैं, धंधे का कोई यूज नहीं है बंद करने का, कोई मतलब कि कोई ना तो हम बंद करना चाहते हैं, ना ही हमारे कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है, नाइदर द इंटेंशन नॉर द नीड, ना हमारा इंटेंशन है ना तो कोई जरूरत है कि हम आगे आने वाले कुछ वक्त में अपने बिजनेस को खत्म कर दें, लिक्विडेट कर दें, कर्टेल कर दें मटीरियली। कर्टेल मटीरियली बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि बिजनेस का कुछ यूनिट नहीं जा सकता है। हो सकता है मैं 100 सामान बना रही हूँ, उसमें से मैं 1 या 2 सामान का जो कि मटेरियल नहीं है उसको मैंने बंद कर दिया, वो चलता है, लेकिन बड़ी चीज का मटेरियल इंपैक्ट, यानी कि हम लोगों ने 60% से ज्यादा का जो है अपना बिजनेस बंद कर दिया, तो वो गोइंग कंसर्न के अगेंस्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन आज जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं वो हम ये सोचते हुए बनाते हैं कि गोइंग कंसर्न हमारा एजम्पशन है, ठीक है दोस्तों। और इसी वजह से गोइंग कंसर्न एजम्पशन ही है, तो आज हमारे जो असेट्स हैं इन सबको हमको रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। असेट का यूज हमें प्रॉफिट देना नहीं है, असेट का यूज हमारे बिजनेस को चलाने के लिए है। तो इस वजह से हम गोइंग कंसर्न एजम्पशन मान रहे हैं, और क्योंकि हमको शॉर्ट टर्म में इस लॉन्ग टर्म गोइंग एजम्पशन का फायदा नहीं लेना है, तो हम शॉर्ट टर्म में इसको रिवैल्यू भी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे जेब में किसी भी असेट के अपवर्ड डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन के पैसे जेब में नहीं आ रहे हैं, वो तो जिस वैल्यू पे हिस्टोरिकल था वहीं पे आगे चलता रहेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि
यही वाली बात मैंने आपको बताया थी कि शॉर्ट रन में गोइंग कंसर्न के चक्कर में ही जो शॉर्ट रन में जितने भी चेंजेस होते हैं डिक्रीज इंक्रीज इन द वैल्यू इन द शॉर्ट रन उसको हम लोग इग्नोर करते हैं. वाई बिकॉज इससे कोई बेनिफिट आज हमको मिलने नहीं वाला है. हम शॉर्ट रन में उसको कुछ बेनिफिट लेना ही नहीं चाहते हैं. नेक्स्ट हम बात करें कॉस्ट कॉन्सेप्ट की. कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये एक प्रिंसिपल है जो कि कहता है कि हम लोग एक्विजिशन कॉस्ट के अपने एक्विजिशन कॉस्ट पे अपने असेट्स और लाइबिलिटीज को लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सामान लेकर के 1 करोड़ का तो उसको 1 करोड़ पे लिखेंगे. आज चाहे उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कुछ भी हो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी हो, उसकी करंट कॉस्ट कुछ भी हो, हम लोग कॉस्ट एक्विजिशन कॉस्ट पे रखेंगे. सिमिलरली जो हमारे लाइबिलिटी होती है, आज लाइबिलिटी इनकर हुई है तो हमें कितने पैसे देने पड़े तो वो हमारा लाइबिलिटी की वैल्यू आएगी. सो करंट कॉस्ट को हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट को देखते हैं. आप आगे आने वाले वैल्यूएशन प्रिंसिपल वाले यूनिट में, आई थिंक यूनिट नंबर 3rd है, उसमें आप मुझसे पढ़ोगे कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, एक्विजिशन कॉस्ट होता है, करंट कॉस्ट होता है, रियलाइजेबल कॉस्ट होता है, प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट होता है, फेयर वैल्यू एस्टिमेट. लेकिन हम लोग एक्विजिशन कॉस्ट को ही लेके चलते हैं. ठीक है, अगेन इसका रीजन भी वही है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन. ठीक है, तो रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू सब कुछ होता है, सब कुछ पढ़ेंगे. लेकिन कॉस्ट कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ डिस्टॉर्शंस क्रिएट कर देता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट. आइए उसकी बात करते हैं. तो इन्फ्लेशन सिचुएशन को ये बिल्कुल भी अकाउंट फॉर नहीं करता है. नंबर 2, कंपेरेबिलिटी खत्म हो जाती है. फॉर एग्जांपल आज मैंने एक बिजनेस शुरू किया और तुमने 2 साल पहले बिजनेस शुरू किया, तुम अपने एक्विजिशन कॉस्ट पे असेट्स को लेकर कह रही हो, सेम चीज मेरे पास भी है, मैं उसको आज की वैल्यू पे लेकर कह रही हूं, जिससे कि कंपेरेबिलिटी कहीं ना कहीं लूज हो चुकी है. नेक्स्ट हम लोग बात करें कि बहुत सारे ऐसे असेट्स होते हैं जिनकी कोई एक्विजिशन कॉस्ट होती नहीं है. फॉर एग्जांपल ह्यूमन कॉस्ट, तो उसको हम लोग लेकर के आ ही नहीं पाते हैं. नेक्स्ट हम लोग एच पे बात कर रहे हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमको कंजर्वेटिव होना है, हमको एक रैशनल बंदा बनना है. ये नहीं कि आज हमें लगा कि हम इतना प्रॉफिट कर लेंगे, ये नहीं कि आज हमें लगा कि हम इतनी सेल कर लेंगे तो चलो उसको पहले रियलाइज कर लेते हैं. तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखो यार, कहने का मतलब है कि असेट की वैल्यू के एग्जांपल बात करते हैं. फॉर एग्जांपल असेट है, हमारे पास एक असेट रखा हुआ है, वो 1 करोड़ का हमारे बैलेंस शीट में एक्विजिशन कॉस्ट पे. आज उसकी वैल्यू 50 करोड़ की हो गई या फिर आज उसकी वैल्यू जो है 2 करोड़ की हो गई, लेकिन जब तक हमको लगता नहीं है कि हम उसको रियलाइज करेंगे तब तक हम उसको जो है 2 करोड़ पे लिखते ही नहीं है. और गोइंग कंसर्न तो ये कहता है कि हम लोग असेट्स को अभी भी रियलाइज करेंगे ही नहीं शॉर्ट टर्म में. तो सिंपल सी बात है, हम लोग रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को ये कहते हैं कि हम लोग प्रूडेंटली चलेंगे और जब तक चेंज इन वैल्यू को हम लोग रियलाइज नहीं कर सकते हम लोग उसको अकाउंट फॉर करेंगे ही नहीं. तो ये एक कंजर्वेटिव पाथ होता है, हम लोग एक कंजर्वेटिव पाथ लेके चलते हैं. और चूंकि इससे भी ज्यादा कंजर्वेटिव ये होता है कि आगे आने वाले लॉसेस को हम लोग आज अकाउंट फॉर कर लेते हैं, इसलिए अभी लॉस हुआ नहीं है लेकिन हम लोगों ने प्रोविजन बना लिया. लेकिन सेम चीज प्रोविजन फॉर गेन में नहीं होती है, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन एंड कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की. तो रियलाइजेशन का मतलब आप थोड़ा सा गलत ना समझे, रियलाइजेशन का मतलब है कि जब तक हम कंजर्वेटिव हैं, कहने का मतलब रियलाइजेशन का मतलब कि हम लोग कंजर्वेटिव हैं और जब तक हम लोग ये नहीं देख पाते कि कोई भी चीज़ को जो है हम लोग रियलाइज कर पाएंगे, गेन को, प्रॉफिट को, इनकम को, तब तक हम लोग उसको लिख करके नहीं आते हैं. और कंजर्वेटिज्म एक और बात कहता है कि हम लोग लॉसेस को लिख लेते हैं अगर प्रोबेबिलिटी लग रही है. नेक्स्ट हम बात करें ड्यूअल एस्पेक्ट की. ड्यूअल एस्पेक्ट जो है कोर है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का, हमेशा से चलता रहा है. ये कहता है कि कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, कोई भी इकोनॉमिक इवेंट जिसको भी हम लोग अकाउंट फॉर कर रहे हैं, उसके 2 पहलू होते हैं. एक असेट बढ़ेगा तो दूसरा असेट घटेगा, एक असेट बढ़ेगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, और वो सब तो आप लोग जानते ही हैं. तो असेट और जो है दोनों का इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब डबल एंट्री, दो चीजें इंपैक्ट जरूर होंगी जिससे कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हो और इस वजह से हमारी बैलेंस शीट टैली करती है. ठीक है दोस्तों, ये मेरी फोटो कहां से आ गई, चलिए जी ये वाली बात हो गई. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं किस चीज़ की, इलस्ट्रेशन आ गए, आई थिंक हमारा ये चीज़ खत्म हो चुका है. उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे के वाले पॉइंट, हाँ जे कंजर्वेटिज्म की. कंजर्वेटिज्म की बात हम लोग कर ही चुके हैं. कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि फ्यूचर इनकम को जो अकाउंट फॉर मत करिए लेकिन फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस को लेकर के आइए. और रियलाइजेशन में कॉन्सेप्ट भी यही कहता था कि जो भी चेंजेस हैं, जो गेन दिखा रहे हैं, उसको तब तक लेकर के नहीं आएंगे जब तक आप जो है रियलाइजेशन के लिए 100% श्योर नहीं है. तो अनरियलाइज्ड गेन को लेकर के आना प्रूडेंट नहीं है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म. ठीक है, नाउ फॉर दिस कॉन्सेप्ट देयर शुड बी एटलीस्ट 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नेमली देखो, जो हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से 3 चीज़ें आती हैं, प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन. अगर आपने जो है कंजर्वेटिज्म को फॉलो किया है तो आप फेथफुली रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई बायस नहीं आ रहा है. फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आ सकता है रियलाइजेशन गेन तो आपने लिख दिया, कोई और कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि रियलाइज कर पाएंगे तो उसने नहीं लिखा. तो जब तक रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट 100% श्योर नहीं होता आप लिख करके आओगे ही नहीं. तो कंजर्वेटिज्म कहीं ना कहीं फेथफुल रिप्रेजेंटेशन भी करने में हेल्प कर रहा है और न्यूट्रल है. तुम कुछ और सोच रहे हो, मैं कुछ और सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मेरी बैलेंस शीट अच्छी दिखे तो मैं झूठ मूठ बोल दे रही हूं कि नहीं ये वाला गेन तो मुझे होगा. तो यहां पे न्यूट्रलिटी भी है, बायस भी नहीं आ रहा है. और प्रूडेंस का मतलब है कि सोच समझ के जो एक ऑर्डिनरी मैन जजमेंट लेगा सोच समझ के वैसा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है. तो कंजर्वेटिज्म के चक्कर में प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन भी हो रहा है. नेक्स्ट हम बात करें कंसिस्टेंसी की. तो कंसिस्टेंसी ये कहती है कि हम लोग आज जो भी प्रिंसिपल, रूल, कन्वेंशन, जो भी नाम ले लो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में हम सेम टू सेम फॉलो करेंगे. वरना लोग जो है यहां पे मैनिपुलेशन करने लगेंगे. जिस साल उनको टैक्स कम दिखाना है वो लोग डेप्रिसिएशन को एक्स्ट्रा लेकर
आ जाएंगे, लॉस दिखाने लग जाएंगे. तो क्योंकि हमारे AS में और हमारे कॉन्सेप्ट्स में एक ही चीज को अकाउंट करने के अलग अलग तरीके दिए हुए हैं, अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं, तो वहां पे चांसेस हैं मैनिपुलेशन के. लेकिन मैनिपुलेशन को हटाने के लिए, क्लीन बोल्ड करने के लिए बोला जा रहा है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अचीव कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू टाइम, अकाउंटिंग पॉलिसीज को आपको फॉलो करना चाहिए कंसिस्टेंटली वन पीरियड टू अनदर में. लेकिन ये इसलिए तब इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड्स दिए हुए हर एक चीज के, जो कि एक्सेप्टेबल है. लेकिन याद रखिएगा, इस वजह से हम लोग ना किसी एक के ऊपर ठोस डिसीजन भी नहीं डालना चाहते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, फ्लेक्सिबिलिटी है. आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हैं, नंबर वन, अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बेहतर बनाने में वो हेल्प कर रहा है, नंबर टू, वो लॉ को कंप्लाई करने के लिए यूज हो रहा है, या फिर नंबर थ्री, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा कह रहा है. तो तीन केसेस में आप लोग जो है कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हैं. और ये तीन चीज मैंने डबल मार्क किया है, स्टार मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम लोग बात करें मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की. मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यार कभी कभी ना बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, उन सबका डिस्क्लोजर करना जरूरी नहीं है. जो चीजें मटेरियल है उसका डिस्क्लोजर करना जरूरी है. नाउ ये अगेन खुद में ही आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि हम लोगों ने फुल डिस्क्लोजर भी, हम लोगों ने आज पढ़ा नहीं है, लेकिन फुल डिस्क्लोजर भी एक प्रिंसिपल है कि हम लोग को सब कुछ डिस्क्लोज करना है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में है. और ये बोल रहा है कि सिर्फ मटेरियलिटी चीजों को लेकर कहना है. तो बेसिकली मटेरियलिटी क्या होती है, वो बहुत सब्जेक्टिव होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताती हूँ. देखो, मटेरियलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग को क्या लिखना है और क्या चीज इग्नोर करनी. आप 10-10 रुपए को भी पेटी कैश एक्सपेंसेस में लेकर के आइए, 10-10 रुपए को, 1-1 रुपए को भी लेकर के आइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग जो है गलत साबित कर देंगे बैलेंस शीट को अगर आप 1-1 रुपए लेकर आएंगे. नहीं, बेसिकली यहां पर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ एक छोटा धंधा है, वो छोटा धंधा अपने लिए 10,000 रुपए की स्टेशनरी लेकर के आए, उसके लिए वो 10,000 रुपए की स्टेशनरी बहुत मटेरियल है और उसके लिए वो एक असेट बन गई है. लेकिन एक कंपनी है जो करोड़ों में काम करती है, उसके लिए 10,000 का कैलकुलेटर, पेपर, स्टेशनरी आया, वो उसके लिए एक एक्सपेंस है. तो मटेरियलिटी से एक्सपेंस और असेट के बीच में डिफरेंसेस पता चलते हैं. तो ये रीजन है और ये अगेन सब्जेक्टिव है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस की. याद रखना, तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है जिसका नाम है GAC, गोइंग कंसर्न एक्रूअल और कंसिस्टेंसी. GAC, गोइंग कंसर्न एक्रूअल और कंसिस्टेंसी, ये तीनों आप लोगों ने ऊपर पढ़े हैं. लेकिन जो फंडामेंटल तीन है सारे में से, वो GAC है, गोइंग कंसर्न अकाउंट एक्रूअल और कंसिस्टेंसी. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये मैम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये तीन चीज तो हम लोग मान ही मान रहे हैं. अगर आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम मान रहे हैं कि आप GAC को फॉलो कर रहे हैं. इन केस आपने किसी GAC में कुछ झोल किया है या फिर आप नहीं मान रहे हैं, तो प्लीज उसको प्रॉपरली जो है डिनोट करें नोट्स टू अकाउंट्स में कि हमने गोइंग कंसर्न नहीं माना है. व्हाई? बिकॉज़ आगे आने वाले साल में हम इसको अपने धंधे को बंद कर रहे हैं. हम कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये रीजन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है. हम एक्रूअल को नहीं फॉलो कर रहे हैं इस रीजन से. तो अगर आप बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिख रहे हो तो माना जाता है कि आप GAC को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, आइए. नाउ दोस्तों, जो ऊपर मैंने इतनी सारी आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एजम्पशन समझाए हैं, उसका मैंने एक स्टोरी बनाया है. स्टोरी को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं. तो आपने सब डिटेल समझ ली, अब स्टोरी देखिए. सो रेलेवेंट एंड मटेरियल आइटम्स का, सो रेलेवेंस एंड मटेरियलिटी, रेलेवेंट एंड मटेरियल आइटम्स का कंप्लीटली, प्रूडेंटली और न्यूट्रली अकाउंटिंग करो, सो दैट यूजर्स अंडरस्टैंड कर पाए, रिलाय कर पाए. सो बेसिकली आई एम सो सॉरी, मैंने गलत बोल दिया. जो ऊपर है ना, इसका मैंने निमोनिक्स नहीं बनाया हुआ है. आगे आने वाले चीज का मैं निमोनिक्स और स्टोरी दे रही हूँ आपको. तो ये आपको कैसे याद करना है, ये आपको देखना पड़ेगा. मैं सोचती हूँ कि मैं किस तरह से आपको इसको याद करवा सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आता है कि 5 से 6 से 10 जो है आप कॉन्सेप्ट्स को लिखिए, तो आप कैसे करेंगे? प्लीज़ ये वाला काम आप खुद से कर लेना. ठीक है, तो आई थिंक क्या करना, देखो मैं क्या करती हूँ, कोई स्टोरी बनाने के लिए पहले ना ABCDEFGHIJK जितना भी है उसको एक जगह पे लिख लेती हूँ. फिर मैं सोचती हूँ कि कैसे कोई स्टोरी बन सकती है या फिर कोई निमोनिक्स बन सकता है. तो आप इसको कर लेना. ठीक है, वैसे ये सारे एक साथ आते नहीं है, GAC ही एक्स्ट्रा आता है कि GAC जो हमारे फंडामेंटल तीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लिखिए और उनको नोट डाउन करके उसको एलैबोरेट भी करिए, वो आता है. लेकिन आपको सब याद करना चाहिए. जब आप रिवीजन भी कर रहे हैं मेरे साथ तो आपको याद तो समझना चाहिए. तो इसका एक निमोनिक्स बना लेना और डिस्कशन फोरम पर शेयर कर देना, बाकी बच्चों को भी हेल्प मिलेगा. आइए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, तीन अकाउंटिंग एजम्पशंस आपके हो गए ना. अब बोलते बोलते मेरा मुंह जो है ना फंबल कर रहा है. अच्छा, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस तीन हो गए. अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो क्वालिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो आ सकता है 4 नंबर का. उसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है. तो व्हाट आर द क्वालिटीज, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो रेलेवेंट एंड मटेरियल आइटम्स का कंप्लीटली, प्रूडेंटली, न्यूट्रली अकाउंटिंग करो, सो दैट यूजर्स अंडरस्टैंड और रिलाय कर पाए कि फुल एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के साथ हुआ है. ठीक है, जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, और अल्टीमेटली कंपैरिजन भी कर पाए. तो याद कर लेना, रेलेवेंट एंड मटेरियल आइटम्स का कंप्लीटली, प्रूडेंटली और न्यूट्रली अकाउंटिंग करो, सो दैट यूजर्स अंडरस्टैंड और रिलाय कर पाए कि फुल एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के साथ हुआ है, जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, और अल्टीमेटली वो कंपैरिजन भी कर पाए. तो 10-11 हो गए हैं.
आई थिंक इसके बाद इकलौता पूरा समझते हैं और इसके बाद ये वाला यूनिट खत्म हो जाएगा. तो अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया. अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, राइट. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी क्वालिटीज़ हमारी क्या होनी चाहिए. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए भैया, जिसके लिए तुम बना रहे हो, कम्युनिकेशन के लिए बना रहे हो, जिससे कि वो लोग डिसीजन मेकिंग कर पाए. तो कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग को अगर वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे तो क्या खाक तुमने किया पूरा का पूरा AIC और RCS. तो कहने का मतलब है अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, इतना रीजनेबल. देखो एक जो कॉमन पर्सन है वो कॉम्प्लेक्स मैटर्स को भी आसान से आसान भाषा में इन अंडरस्टैंड कर ले, इतनी अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये क्वालिटी होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. अब आप ये सोचो कि यार ये वाली जो चीज़ है ना, इंडियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक चीज़ आएगी जो आप लोग इंटरमीडिएट और फाइनल में पढ़ोगे, यार ये वाली चीज़ जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, यूजर उसको समझ नहीं पाएगा, ऐसा करते हटा देते हैं. तो ऐसा भी आप नहीं करते हो, मतलब आप बेसिकली वो सारी चीज़ों को लिखते हो जो कि उसको आसान भाषा में लिखते हो जिससे कि अंडरस्टैंडेबल हो जाए. और वैसे ऐसा होता नहीं है रियल सेंस में. हम CS होते हैं, उनको भी जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको पढ़ने में नानी आ जाती हैं, तो कॉम्प्लेक्स मैटर्स तो होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे. व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए. तो कल को तुमने कोई चीज एक्सक्लूड कर दी और वो डिसीजन मेकिंग में इंपैक्ट कर जाती तो वो तो गलत हो गया. तो नंबर वन अंडरस्टैंडेबिलिटी ये बोलती है कि भैया वो सारी चीज़ों को डालिए जो कि रेडेबल अंडरस्टैंडेबल हो यूजर्स को. उनको नहीं आता है तो जाए वो यूट्यूब पे देखें, ठीक है. नंबर टू की बात करें रेलेवेंस की, रेलेवेंस बोलता है कि वो उन सारी चीज़ों को लेकर कहिए जो कि अगर नहीं होती तो डिसीजन मेकिंग पे इंपैक्ट हो जाता. कहने का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक प्रेडिक्टिव रोल है और एक कन्फर्मेटरी रोल है. प्रेडिक्टिव का मतलब होता है कि आज जो एक इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है वो पहले फॉर एग्जाम्पल इतना खर्चा हुआ तो वो कन्फर्म कर रही है इन्फॉर्मेशन, और आगे आने वाले वक्त में इतना एक्सपेंस होगा वो प्रेडिक्टिव करिए. तो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए जो कंफर्मेशन भी करे और प्रेडिक्शन भी करे. फॉर एग्जांपल कंफर्मेशन का मतलब होता है कि आपने माइनस कर दिया रॉ मटेरियल 1,00,000 रुपए का, तो इतना हो चुका है आपके इन्वेंटरी में, इतना पड़ा हुआ है तो आगे आने वाले वक्त में इतनी इन्वेंटरी यूज होगी. आपके प्रीपेड रेंट में इतना बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है एडवांस में, तो मतलब कि आगे आने वाले वक्त में कंफर्मेशन हो रहा है, प्रेडिक्शन हो रहा है सॉरी, कि आगे आने वाले वक्त में इतना जो है रेंट कंज्यूम होगा. तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डालनी है जो कि डिसीजन मेकिंग में, अगर आप उसको हटा दोगे तो डिसीजन मेकिंग में गलत इंपैक्ट पड़ता. आइए तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं प्रेडिक्टिव रोल की, बात करी कन्फर्मेटिव रोल की बात कर ली है. नेक्स्ट हम लोग बेसिकली प्रेडिक्टिव रोल से क्या होता है ना, कि प्रेडिक्टिव रोल फॉर एग्जांपल द प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज एनहांस्ड इफ अनयूजुअल एबनॉर्मल और इनफ्रीक्वेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस आर सेपरेटली डिस्क्लोज्ड. अब देखो क्या होता है कि आप अपने PL में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसको अंडरस्टैंड करना, जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं फॉर एग्जांपल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हो गया उसको आप लोग जो है सेपरेटली नोट्स में लिखते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो आगे आने वाले वक्त में वैसा नहीं होगा, ठीक है. तो उसको ढंग से लिखें जो प्रेडिक्शन है कि यार कहने का मतलब है कि इस साल मेरे को लॉटरी से 1,00,000 रुपए मिल गए. वैसे मैंने बिजनेस में लिख दिया क्योंकि मैंने बिजनेस के पैसे से ही लॉटरी खरीदी थी टिकट, तो मैंने बिजनेस के इनकम में उसको लिख दिया, लेकिन ये आगे आने वाले वक्त में नहीं होगा तो इसलिए मैंने उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में लिखा. अगर आप लोगों ने कभी भी ध्यान दिया हो तो जो प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी एक्ट का होता है उसमें एकदम देखो उसमें PL वाला फॉर्मेट तो होता नहीं है टी शेप का, उसमें हॉरिजॉन्टल शेप होता है. तो हॉरिजॉन्टल शेप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नीचे अलग से होते हैं. फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस का कंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रॉफिट उसके बाद अलग से एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है. इसका मतलब होता है वो दर्शा रहा है कि प्रेडिक्टिव कर रहा है कि आगे आने वाले वक्त में ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हो, ये हर साल नहीं होता है, कभी कभी होता है. नेक्स्ट हम लोग बात करें रिलायबिलिटी की, तो रिलायबिलिटी ये कहती है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आप इन नंबर्स लिख रहे हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और फ्री फ्रॉम एरर और बायस, उसकी पूरी कोशिश करिए. कंपेरेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको बेसिकली कंपेरेबल बनाना है जिससे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी कंपेरेबल हो. आप देखें कि जो आपके कैश फ्लोज हैं, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें क्या प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करिए जिससे कि जो आपके यूजर्स हैं वो कंफ्यूज ना हो, राइट. कंपेयर कर पाए आपके ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपके प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपके इंडस्ट्री के दूसरे कंपेरेबल कंपनी से कंपेयर कर पाए, तो ये इंपॉर्टेंट होता है यूजर्स के लिए. अच्छा याद रखिएगा द नीड फॉर कंपेरेबिलिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद यूनिफॉर्मिटी. कहने का मतलब है कि कंपेरेबिलिटी के लिए ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म करना ही है. हम लोगों ने ऊपर 3 इंस्टेंसेस देखे हैं जहां पे आप लोग कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है. यहां पे लिखा हुआ है जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से करना है कंप्लाई, लॉ से करना है कंप्लाई और एक बेटर पिक्चर आ रही है. नाउ जो हमारे ये सब तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वालिटी, और उसका मैंने आपको ऊपर स्टोरी भी बता दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, द 4 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप सिर्फ लिखोगे URRC, सारा नहीं लिखोगे URRC, यानी कि अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी. ये मेन होता है
बाकी और बहुत सारे हैं। मटेरियलिटी की बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन जो मटेरियल है उसको ही लेकर के आइए। मटेरियल कैसे पता चलता है कि अगर वो चीज अगर आप हटा देते, अगर वो चीज हटा दें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो यूजर के इन्फॉर्मेशन पे बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, तो वो चीज मटेरियल है। फॉर एग्जांपल एक करोड़ों की कंपनी है, उसका अगर 100 रुपए का सामान नहीं आया, उसमें 100 रुपए का इन्फॉर्मेशन मिस हो गया, तो कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है उसके ओमिशन से या फिर एरोनियस स्टेटमेंट से। तो इससे हम लोग मटेरियलिटी का रेलेवेंस समझ सकते हैं। तो जितनी भी चीजें हैं मटेरियल चीजें हैं, वो मटेरियल है कि नहीं किसी कंपनी के लिए, ये साइज एंड नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है, आपके बिजनेस का क्या लेवल है उस पे डिपेंड करता है, तो आपको उस पे ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की। तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि जो लोग हैं बेसिकली, देखो कहने का मतलब है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सब्जेक्टिव होती है, जजमेंट तो उसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप पूरी कोशिश करिए कि जब भी आप जजमेंट ले रहे हैं तो आप फेथफुल रहें, आप कुछ भी अगड़म बगड़म अपने मर्जी से ना करें, क्योंकि बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स उस पर जो है फोकस कर रहे हैं, उस पर जो है बात मान रहे हैं और एक डिसीजन ले रहे हैं। तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप बायस ना रहे, पूरी कोशिश करिए कि जो इनहेरेंट गलतियां हैं वो तो होंगी। इनहेरेंट का मतलब होता है आप ऑडिट में भी पढ़ेंगे कि कुछ गलतियां तो होंगी ही होंगी। दो बंदा अकाउंटिंग अकाउंट्स बना रहा है, दोनों की बैलेंस शीट जो है आपके एग्जाम के हिसाब से सेम नहीं आएंगी, दोनों अलग अलग आएंगी। तो कहने का मतलब कुछ इनहेरेंट गलतियां हैं, सब्जेक्टिविटी है, वो तो आएगी, लेकिन कोशिश करिए कि आप फेथफुल रहें, आप रिस्क जो है गलती का ना लेकर के आए, राइट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑल्दो मोस्ट एंटरप्राइजेस जनरेट गुडविल इंटरनली ओवर टाइम, इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और मेजर दैट गुडविल रिलायबली। इन अदर केसेस हाउएवर इट मे बी रेलेवेंट टू रिकॉग्नाइज आइटम्स एंड टू डिस्क्लोज द रिस्क ऑफ एरर साउंडिंग द रिकॉग्निशन। तो देखो अगर फॉर एग्जांपल देखो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग नहीं कर सकते एग्जैक्ट पता, तो उसको लेकर के नहीं आते हैं यार, क्योंकि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। इंटरनली जनरेटेड गुडविल की बात कर ले, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, अब आप बोलोगे मैम ऐसे थोड़ी ना होता है, आपने बताया कि जो गुडविल होती है, परचेज गुडविल होती है, सिर्फ वही आ सकती है। ऐसा नहीं है, बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है उसको लेकर के इसलिए नहीं आता क्योंकि बहुत बवाल मच सकता है। कल को आपका जब बिजनेस सेल होता है तो गुडविल के साथ ही सेल होता है ना, पैसा तो आपको पूरा उसका मिलता है, भले आज तक आपने उसको एसेट में दिखाया नहीं। तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन रहे, आप फेथफुल रहो, आप अपने गुडविल के नाम पे कुछ भी ना दिखा दो, इसलिए हम लोग गुडविल को लेकर के आते ही नहीं है अंटिल एंड अनलेस वो एक परचेज गुडविल है। नाउ सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बात मैं आपको बता चुकी हूं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म में सेम है कि फॉर एग्जांपल आपने एक लैंड खरीदा, लैंड आपका हो गया 31 मार्च तक, लेकिन उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, डिस्क्लोजर्स थे, वो नहीं हो पाए थे, कुछ पेपर वेपर वर्क था, फिर भी आप फॉर्म को नहीं देखेंगे, आप सब्सटेंस को देखेंगे, आप लीगल चीज को नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि मेन क्या चीज है, इकोनॉमिक रियलिटी क्या है, और उसको बैलेंस शीट में लेकर के आ जाएंगे, वरना लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि आप अपने बैलेंस शीट को डिफ्लेट कर दोगे। आपका वो चीज है 1 करोड़ का, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल थिंग्स आप उसको लेकर के नहीं आओगे। तो आप फॉर्म पे फोकस करो, सब्सटेंस मेन चीज पे फोकस करो। न्यूट्रलिटी की बात करें तो न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि यू शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। तो न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि लेट सपोज आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं, आप अपना बायस, अपना दिमाग खोपड़ी उसमें ना लगाएं। प्रूडेंस की बात करें तो प्रूडेंस का मतलब बाल दे चुके हैं कि जो अनरियलाइज्ड गेन्स हैं उसको लेकर के नहीं आते हैं, लेकिन जो प्रोबेबल लॉसेस होते हैं उनको हम लोग लेकर के आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज प्रूडेंस की बात करें, अब जो रिसीवेबल्स है, ठीक है, अब रिसीवेबल्स का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लगा रहे हो, या फिर आप रिसीवेबल डेज जो होते हैं उसको कैलकुलेट करो, तो उसमें आप प्रूडेंट रहो ना। आप जो है प्लांट एंड मशीनरी की यूजफुल लाइफ को 100 साल दिखा रहे हो, तो ये तो बेवकूफी है। तो ये सब प्रूडेंस होता है कि आप जो भी चीजें कर रहे हो उसको ओवरस्टेट अंडरस्टेट अपने मन से हिडन रियलिटीज ना बनाओ, एक्सेसिव चीजें ना करो, अंडर एक्सेसिव चीजें मत करो, ठीक है। तो आप अननेसेसरी चीजें ना करो, वो है प्रूडेंट। कहने का मतलब है आपका बिजनेस है, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आपके हाथ में सब कुछ है, लेकिन आप प्रूडेंट रहो, ऐसा कोई करता नहीं है। वैसे फुल फेयर और एडिक्वेट डिस्क्लोजर कहता है कि 100% चीजें, देखो अभी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हो गया, मटेरियलिटी बोलती है कि मटेरियल चीजों को लिखो, ये बोल रहा है कि फुल डिस्क्लोजर करो। तो फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी को एक साथ मिलाएं तो ये बोल रहा है कि वो सारी मटेरियल चीजें जो रिलायबल हैं, रेलेवेंट हैं, और जिसको आप हटा दोगे तो इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, वो सभी चीजों को आपको करना है। और ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से कि इन्फॉर्मेशन को पूरा का पूरा लेकर के आना है, ठीक है, चाहे उसका लीगल फॉर्म हो, चाहे कुछ भी हो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म हो, उसको भी लेकर के आना है। कंप्लीटनेस की बात करें तो कंप्लीटनेस भी वही कहता है कि अगर कोई आप चीज़ ओमिट कर देते हैं तो उसका एक फॉल्स और मिसलीडिंग इंपैक्ट हो जाएगा ऑन द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंप्लीटनेस भी वही बात करता है कि सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको भी रिकॉग्नाइज कर लो, उनका एस्टिमेट बना लो, लेकिन कंप्लीट हो, बात समझे। अनसर्टेनिटी भी है, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या हुआ, कंटिजेंट असेट, कंटिजेंट लायबिलिटी आप लोग पढ़ने वाले हो, एस्टिमेट भैया वो सब प्रोबेबल है, फिर भी हम लोग लेकर कहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कंप्लीट पिक्चर दें हम लोग अपने यूजर्स को। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसीट की। ये हमारा यूनिट नंबर आपका हो गया 4।
ओके सो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट ऑल्सो. सो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट. ठीक है, आइए फटाफट से देखते हैं क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या आपको थ्योरी में लिखना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आते हैं. देखिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस का पीरियोडिकल रिजल्ट यानी कि पीरियोडिकल 12 महीने का रिजल्ट पता करने से पहले आपको पता होना चाहिए, एनालिसिस आप कर पाएं कि जो एक ट्रांजैक्शन हुआ है, इवेंट तो छोड़ दो, जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका नेचर क्या है, कैपिटल या फिर रेवेन्यू. व्हाई? बिकॉज जो रेवेन्यू चीजें होती हैं वो ऑपरेशन से आती हैं और वो उस अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू पीएल में जाती हैं. सिमिलर चीज रेवेन्यू अर्न के लिए भी होती है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए भी होती है. कहने का मतलब है जो चीजें ऑपरेशनल लेवल की है, फॉर एग्जांपल जो एक साल में जिनका बेनिफिट मिलेगा, एक्सपेंस की बात करें तो एक खर्चा हुआ, समझ नहीं आ रहा है कि वो छोटा है, बड़ा है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, क्या है, तो आपको ये देखना है कि उस रेवेन्यू का जो बेनिफिट है वो क्या 12 महीने के बियॉन्ड एक्सटेंड हो रहा है. अगर हो रहा है उसका बेनिफिट, उससे अर्न करने वाला जो रेवेन्यू आएगा, भाई खर्चा तुम क्यों करते हो, रेवेन्यू कमाने के लिए, तो एक 12 महीने के बाद अगर उससे रेवेन्यू आएगा तो वो एक कैपिटल खर्चा हुआ, अदरवाइज वो एक रेवेन्यू खर्चा हुआ. ठीक है, तो कैपिटल खर्चे जो होते हैं वो एंड्योरिंग बेनिफिट्स देते हैं, वो हेल्प करते हैं रेवेन्यू जनरेशन में 12 महीने के बाद के लिए भी. तो जो एक्सपेंसेस होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के हैं उनको हम लोग पीएनएल अकाउंट में डालते हैं. हम मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं कि जो रेवेन्यू है, देखो खर्चों को दो तरीके से लिखा जाता है, एक होता है पीरियड के हिसाब से 12 महीने के खर्चे 12 महीने में आएंगे, और दूसरा तरीका होता है उसको मैचिंग कंसेप्ट से करो कि भाड़ में गए 12 महीने इधर की उधर हो जाए, लेकिन जो रेवेन्यू जितने टाइम का जितना रेवेन्यू है उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो एक्सपेंस लगा उसको हम लोग माइनस करते हैं. ठीक है, नाउ कभी कभी क्या होता है कि एक खर्चा लमसम में होता है, उसका कुछ पोर्शन जो है कैपिटल होता है, कुछ पोर्शन जो है उसको इस साल का बेनिफिट मिलता है, इस साल ही बेनिफिट मिलता है. फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल असेट, तो कैपिटल असेट आप 1 करोड़ का असेट अपने बैलेंस शीट में लिखते हैं. वाई? बिकॉज वो एक खर्चा नहीं है, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है. और लेकिन जो इस साल खर्चा हुआ, जो इस साल आपने उस मशीन को खराब किया और उसे सामान बनाया, वो आप डेप्रिसिएशन के फॉर्म में ले ही आते हो. सो अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर कैपिटल कैन बी कैपिटलाइज. एक पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज कब हो सकता है? जब उससे मिलने वाले 12 महीने के बाद के बेनिफिट्स को आज आप डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, नाउ जो हम लोगों ने देख लिया है, सिमिलरली जो रेवेन्यू कैपिटल है उसका पर्पस क्या है, उसको पीएल में डालना या फिर उसको बैलेंस शीट में डालना. बैलेंस शीट में कहां पे? एसेट साइड में आता है, और जिस साल उसका बेनिफिट मिला उस साल उसको एसेट से निकाल करके डेप्रिसिएशन या फिर एमोर्टाइजेशन के फॉर्म में पीएल में हम लोग डाल देते हैं. नाउ रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंस को देन एंड देयर उसी साल के पीएल में हम लोग डाल देते हैं. व्हाई? बिकॉज वो खर्च हो गया और उससे जो बेनिफिट्स है उसी साल में हजम हो गए. फॉर एग्जांपल आप गए रेस्टोरेंट में, आपने खर्चा किया, आपने खाना खाया और आपने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया कि हर संडे आपको फूड मिलेगा, आपने उस वक्त खर्चा किया और वहीं पे स्वाहा हो गया, तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. यहाँ पे टाइम फैक्टर भी होता है और यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट भी होता है, जो मैंने आपको बता दिया 12 महीने टाइम फैक्टर मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो रेवेन्यू है उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस. ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट बात करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टाइम फैक्टर और मैचिंग कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो कौन कौन से बेसिक कंसिडरेशन है जो हम लोग को ध्यान में रखने हैं एक रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफाइन करते वक्त? तो नंबर वन हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस की. देखिए कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरे घर में भी फर्नीचर है, मेरे बिजनेस में भी फर्नीचर है, लेकिन मेरा बिजनेस फर्नीचर का नहीं है. तो जिसका बिजनेस का फर्नीचर है उसके लिए जो फर्नीचर होता है वो असेट नहीं होता है, उसके लिए वो एक इन्वेंटरी होता है, और मेरे लिए मेरे ऑफिस में एक बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, ये एक कैपिटल असेट है. नेक्स्ट में बात कर रहे हैं एक और कंसिडरेशन होता है, वो रिकरिंग नेचर या फिर कैपिटल नेचर. तो अगर हम लोग एक खर्चा बहुत ही फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, हर पीरियड में कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, तो वो रिकरिंग हो गया, वो रेवेन्यू नेचर का है. लेकिन एक बड़ा भारी भरकम एक टाइमली एक बार का एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल नेचर का होता है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर भी काफी इंपैक्ट करती है कि रेवेन्यू होगा या फिर कैपिटल होगा. नेक्स्ट बात कर रहे हैं पर्पस क्या है एक्सपेंस का. तो पर्पस है एक्सपेंस का कि नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज चलती रहे, मेंटेनेंस होता रहे, ये हर वक्त होता रहेगा, या फिर खर्चे का पर्पस है कि असेट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए जो कि आगे आने वाले सालों में भी हमको बेनिफिट देगा, तो वो होता है पर्पस. तो ऑर्डिनरी रिपेयर क्या? रेवेन्यू. बेनिफिट प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ा देगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी. ये भी सेम बात है. आप एक खर्चा कर रहे हैं, मेरा माइक 20,000 रुपए का, इसमें मैं एक खर्चा करती हूँ कि मैंने इसकी पिन बदलवाई और उस पिन बदलवाने से ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, वो हर 3 महीने पे पिन बदलवानी पड़ेगी, इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं हुई, तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. मेरे को एक इंजीनियर ने बोला कि मैम आप इसमें 500 का पॉपअप बॉक्स लगवा लो, इससे आपकी क्वालिटी बहुत सुप्रीम हो जाएगी और जो आपको लैगिंग की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी, तो दैट इज माई कैपिटल एक्सपेंस. क्योंकि इससे मेरा काम तो पूरा माइक से रेवेन्यू जनरेट करने का हो सकता है. मैं गाना गाती हूं, मैं पढ़ाती हूं, मैं पॉडकास्ट करती हूं, तो मेरी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो ऑल ऑफ दीस थिंग्स. फॉर एग्जांपल आप अपने लैपटॉप पे एक चिप लगा रहे हो जिससे कि प्रोसेसर बहुत फास्ट हो गया, तो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, भले उसका अमाउंट कम क्यों ना हो. तो याद रखिएगा, भले अमाउंट कम लग रहा हो, रेवेन्यू लग रहा हो, लेकिन आपको सारे कंसिडरेशन देखने हैं. नेक्स्ट हम बात करें मटीरियलिटी ऑफ द अमाउंट. तो रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या है आपके बजट में, आपके टोटल एसेट में उसका प्रोपोर्शन क्या है, वो भी इंपैक्ट करता है कि रेवेन्यू की कैपिटल. लेकिन इसको ई पार्ट में रखा गया है क्योंकि पहले हम लोग ए बी सी डी चेक करते हैं. दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर्स की. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर
एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो हम लोगों ने देख लिया है कि जो चीज रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी में इंपैक्ट करती है वो हमारी कैपिटल नेचर की होती है, और जो एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए हेल्प करती है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है. नाउ याद रखिएगा कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आइदर अकर इन डायरेक्ट रिलेशन विद रेवेन्यू और इन रिलेशन विद अकाउंटिंग पीरियड. रिपीटेड बात है, कोई खास बात इसमें है नहीं. आपके ये सब क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको क्लास में करवा दिए थे, आप लोगों ने खुद भी किएंगे. अब हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल और रिसीट. एक्सपेंडिचर खत्म हो गया, अब हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, रिसीट की बात कर रहे हैं. नाउ देखो रिसीट का मतलब क्या होता है. रिसीट का मतलब वो चीज़ जो नॉर्मल बिजनेस में हम लोग हासिल कर रहे हैं. अब ये क्या हो सकता है कि आपका जनरल ऑपरेशन जो है, मैं धंधा कर रही हूँ कोर्स सेल करके, तो दैट इज माई रेगुलर. लेट सपोज मैंने क्या किया कि मैंने अपने लैपटॉप को, मैकबुक को 2 लाख रुपए का था, उसको मैंने 1 लाख रुपए पे बेच दिया है, तो वो 1 लाख रुपए से जो मेरा पैसा आया वो मेरा रेवेन्यू रिसीट नहीं है, वो मेरा कैपिटल रिसीट है. व्हाई? बिकॉज़ वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो करना मेरा डेली मर्रा का काम नहीं है, ऑपरेशंस नहीं है. तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो इनकम होती रहती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, वो होती है रेवेन्यू नेचर की. उसके अलावा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, ये सारी चीजें कैपिटल बेसिस पे होती है. अब याद रखिएगा जो रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, उसको हम लोग कैश बेसिस में नहीं, उसको हम लोग एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट फॉर करते हैं. यानी कि एज सून एज द राइट टू रिसीव दैट इनकम इज एस्टैब्लिश्ड, हम लोग उसको पीएल में अकाउंट फॉर कर लेते हैं. राइट नाउ इसलिए आप प्लीज कैश रिसीट को पीएल के रिसीट से इक्वेट ना करें. जो रेवेन्यू रिसीट का राइट टू एस्टैब्लिश, राइट टू रिसीव मिल गया है, उसको पीएल में डाल देना होता है हम लोगों को. राइट अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल. जो हम कैपिटल की जो रेवेन्यू रिसीट होती है, कैपिटल की जो रिसीट होती है, उसको हम लोग पीएल में नहीं डालते हैं क्या? तो लेट सपोज आपने अपनी बिल्डिंग को 1 करोड़ रुपए का बेचा, वो बिल्डिंग आपकी बुक वैल्यू में आ रही थी 80 लाख रुपए की, तो आप 1 करोड़ को पीएल में नहीं डालोगे, जो आप डिफरेंस है उसको डालोगे. तो रेवेन्यू इनकम पूरी की पूरी पीएल में आती है, जो कैपिटल इनकम होती है तो सिर्फ जो गेन होता है वो पीएल में आता है. एक्स्ट्रा आइटम उसमें वो बेसिकली आता है कैपिटल. आप अपने बिजनेस का पीएल बनाते हो, आप अपना ऑर्डिनरी गेन लिखते हो, उसके नीचे आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, नॉन रिकरिंग आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स ये सब लिखते हो, जिससे कि इन्वेस्टर्स को साफ साफ पता हो कि भैया इनका हर साल का पीएल इतना नहीं है, इस साल इन्होंने क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी जो कि कैपिटल नेचर की थी, इसलिए इनका ये इनकम है. वरना उस जगह वाह ये तो बहुत अच्छा बिजनेस करता है, ऐसा नहीं है. उसका रेवेन्यू से जो कोर बिजनेस से जो अर्निंग आ रही है वो इक्विटी ओनर्स देखते हैं. ठीक है ओके तो ये वाली बात मैंने कर दी, आई थिंक चैप्टर खत्म हो गया. नेक्स्ट हम लोग यूनिट नंबर 5 की बात कर रहे हैं, कंटेंजेंट असेट एंड कंटेंजेंट लायबिलिटी. तो कंटेंजेंसी क्या होती है और असेट और लायबिलिटी क्या होती है, उसको हम लोग देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. मैं पानी का ब्रेक ले लेती हूँ. ओके सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कंटेंजेंट असेट्स एंड कंटेंजेंट लायबिलिटीज. तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आप याद कर लें कंप्लीटली, इसको यहीं पे लर्न कर लें. कंटेंजेंट असेट का मतलब सबसे पहली बात तो वो एक असेट होता है. ठीक है तो असेट का मतलब जो चीज़ हमको फ्यूचर में बेनिफिट्स देंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो ये तो पता है. लेकिन ये असेट आज के डेट में श्योर नहीं है, खड़ा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इसकी सर्टेनिटी नहीं है. क्या है कि एक पॉसिबिलिटी है कि असेट आ सकता है, यानी कि फ्यूचर बेनिफिट देने वाला कोई चीज़ आ सकता है. नाउ अ कंटेंजेंट असेट में बी डिफाइंड एज अ पॉसिबल असेट दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड हुज एग्जिस्टेंस विल बी कन्फर्म्ड ओनली आफ्टर अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स. क्या हुआ कि मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा अपने बिजनेस के खर्चे में से, बिजनेस में से पैसे निकाल के एक लॉटरी का असेट खरीदा, लॉटरी का टिकट खरीदा. नाउ ये मेरे पास्ट इवेंट की वजह से हुआ, मैंने कुछ किया पास्ट ट्रांजैक्शन में. अब अगर लॉटरी मेरे नाम पे निकलती है, यानी कि अकरेंस या फिर नॉन अकरेंस होता है किसी एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट का, तो वो मेरे को बेनिफिट देगा. लेट सपोज लॉटरी इस बात की है कि मुझे एक जनरेटर मिल जाता है जिससे कि मेरे कंपनी में हमेशा बिजली बनेगी. सो दिस इज अ कंटेंजेंट असेट. वाई? बिकॉज समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर विच इज अनसर्टेन एंड इट इज हैपनिंग बिकॉज सम ट्रांजेक्शन हैज बीन डन इन द पास्ट, लॉटरी टिकट परचेज्ड. And hence, this is not in the control of the enterprise and hence it's called asset but contingent asset. ठीक है तो ये unplanned, unexpected kind of चीजें हैं. ठीक है जी, unplanned, give me a moment. हाँ, unplanned, unexpected kind of चीजें हैं. Give me a moment. या अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर वो हो गई तो हमें इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होगा. वाई? बिकॉज कंटेंजेंट असेट इज एक्चुअली एन असेट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल अ क्लेम दैट एंटरप्राइज इज परचेसिंग. फॉर एग्जांपल एक मेरी और मेरे दूसरे पार्टनर में लड़ाई चल रही है, अगर मुझे मिल जाता है वो क्लेम, मतलब मेरे फेवर में वो लड़ाई आती है, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे लीगल प्रोसेस के. मुझे पता नहीं है, एक ट्रांजैक्शन हो चुका है, उसका इवेंट जो है असेट पॉसिबिलिटी बाद में आएगी. नाउ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस यूनिट में, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि जो चीज अनरियलाइज्ड है या फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी है, जो कि श्योरिटी नहीं है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि उसको रिकॉग्नाइज मत करिए. तो ये असेट्स अनसर्टेन होते हैं, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं आते हैं. ठीक है, क्योंकि इनकी रियलाइजेशन ऑफ क्लेम में अनसर्टेनिटी होती है. और
लेकिन अगर इसमें इसमें हल्का सा भी कहने का मतलब वर्चुअल सर्टेनिटी आती है तो एक है वीई वर्चुअल एस्टिमेट, देखो वीसी वर्चुअल सर्टेनिटी आती है, रियलाइजेशन ऑफ इनकम फ्रॉम दिस असेट अगर बनता है तो ये असेट लोन नो लॉन्गर कंटेंजेंट असेट हो जाता है, ये प्योर असेट हो जाता है, बैलेंस शीट में आ जाता है, ठीक है। तो अगर रियलाइजेशन ऑफ इनकम वर्चुअली सर्टन, ये शब्द याद रखें, वर्चुअली सर्टन हो जाती है तो ये एक कंटेंजेंट असेट नहीं रहता है, ये हमारे बैलेंस शीट में आ जाता है। नाउ कंटेंजेंट असेट का क्या करें, कंटेंजेंट असेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखना है प्रूडेंस के लिए, लेकिन इसको आप लोग बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में लिख देते हैं, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में लिख देते हैं। और अगर एक कंपनी है, अगर कंपनी नहीं है तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होंगे, तो उस कंपनी की जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है उस अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट क्या होती है ये आप लोग बाद में पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल कंपनी के अकाउंट्स बनते हैं, अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, फिर शेयर होल्डर्स के पास जाते हैं, शेयर होल्डर्स उसको ओके करते हैं, फिर ऑडिटर जो जो बोलता है कि इसमें ये गलती है ये गलती है ये गलती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बताता है कि क्यों गलती हुई या फिर क्या सही है क्या गलत है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक रिपोर्ट होती है, भाई तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, तुम सारे पैसे संभाल रहे हो, तुम बिजनेस संभाल रहे हो, तुम्हारी एक रिपोर्ट बनेगी ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में हम लोग कंटेंजेंट असेट को लिख देते हैं कि देखो ये है कंटेंजेंट असेट, इसमें 50% चांस है कि हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में या फिर किसी और अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में जाएगा, ठीक है। नाउ कंटेंजेंट असेट को आप हमेशा हर साल कहते हैं कि उसको असेस करिए, हो सकता है पिछले साल कोई चीज की सर्टेनिटी नहीं थी लेकिन इस साल फेवर में आ रहा है तो वो एक असेट बन जाएगा। तो आप लोग को जो है कंटेंजेंट असेट को असेस करना है कॉन्टिन्यूअसली, और अगर वर्चुअल सर्टेनिटी आती है इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स की तो आप उसको इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, अपने असेट में लेकर के आ जाएंगे। अब बात करते हैं कंटेंजेंट लायबिलिटी की, थोड़ा सा कंटेंजेंट असेट से अलग है, इसमें दो डेफिनेशन आती है। पहला कंटेंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन और दूसरा होता है एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ऊपर हम लोगों ने पॉसिबल असेट दिखा था, तो यहां पे क्या है कि लायबिलिटी तो होती है, लायबिलिटी का मतलब होता है कि ऑब्लिगेशन, कोई चीज जाएगी हमारे पास से, तो उसकी पॉसिबिलिटी है, अगेन वो पास्ट ट्रांजैक्शन से हुई है, पास्ट इवेंट से हुई है, उसकी कंफर्मिटी होगी कि नहीं होगी वो अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ सम फ्यूचर इवेंट से होगा। नंबर टू एक और चीज हो सकती है, हो सकता है किसी चीज की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, पता है कि होगा, पास्ट इवेंट से ही हुआ है, लेकिन हम जो है या तो उसका रिलायबल एस्टिमेट नहीं बना पा रहे हैं, या फिर देखो अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्रोबेबल ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स बट इज नॉट रिकॉर्ड। तो मैम क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो क्यों उसको कंटेंजेंट का नाम दे रहे हैं, लायबिलिटी बोल देना। नहीं बेटा, उसमें पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ये है, प्रॉब्लम ये है कि आइदर इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इंबोर्डिंग अकाउंट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन और रिलायबल एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। एक चीज की लायबिलिटी है, लेकिन लायबिलिटी है हम लोग हार गए लेकिन आज सच कोई पनिशमेंट नहीं है, तो लायबिलिटी तो है लेकिन मॉनेटरी पनिशमेंट नहीं है, या फिर लायबिलिटी तो है बैड डेट हर बार होती है लेकिन किसी भी तरीके से हम उसका 5% 10% 1% रिलायबल एस्टिमेट नहीं बना सकते हैं, तो क्या लिख करके आ जाओगे, बैलेंस शीट में तो मनी लिखना पड़ता है ना। तो ये दो डेफिनेशन है कंटेंजेंट लायबिलिटी की, असेट की सिर्फ एक डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, याद रखिएगा, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है भी तो ये दो में से कोई एक चीज होनी चाहिए, इसका याद रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, अब इसकी बात करते हैं कि मैम अब प्रूडेंस के हिसाब से क्या करना चाहिए। तो देखो आपको जो है बैलेंस शीट में इसको नहीं लिखना चाहिए, आपको नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना चाहिए। अगर मैम अब आप बताओ कि प्रोविजन फॉर बैड डेट जरूरी थी ना, कि हो जाता है प्रोविजन फॉर बैड डेट, मैम आप 5% बनाती हो साल के बिगनिंग में, क्या जरूरी है कि वो साल इतना हो जाए। तो बेटा वहां पे क्या होता है ना कि वहां पे थोड़ी बहुत तो सर्टेनिटी होती है, यहां पे तो रीजनेबल एस्टिमेट ही नहीं लगा सकते, तो रीजनेबल एस्टिमेट ही नहीं बना सकते, थोड़ा बहुत गलती होता है वो चलता है। आप पीएल में लिखोगे, आप पीएल में अपना प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखते हो, लेकिन आप पीएल में कंटेंजेंट लायबिलिटी नहीं लिख सकते, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कंटेंजेंट लायबिलिटी नहीं है, वो एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है। व्हाई? बिकॉज वो एक लायबिलिटी है, थोड़ी बहुत 90% इधर उधर हो सकती है, 10%, लेकिन आप उसको एक नंबर दे पा रहे हो, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे एक नंबर नहीं दे पा रहा, नंबर नहीं दे पा रहा तो क्या खाक लिखोगे अपने पीएल बैलेंस शीट में? तो इसलिए इसको हम नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं, याद रखना। ऊपर वाली बात करती बोर्ड रिपोर्ट में जाता है, ये जो है नोट्स टू अकाउंट्स में आता है, ठीक है। नाउ इसको भी आप कॉन्टिन्यूसली असेस करेंगे, इसको नोट्स में लिखेंगे, और इनकेस अगर सर्टेनिटी आ जाती है तो आप इसको अपने पीएल में डाल देंगे। ओके, नाउ इफ इट बिकम्स प्रोबेबल दैट, अगर प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि भैया पता चल गया है कि इतने नंबर की कंटेंजेंट लायबिलिटी है, इतने नंबर की इतने अमाउंट की लायबिलिटी है, तो उसको आप फिर नोट्स टू अकाउंट से अपने बैलेंस शीट में लेकर के आ जाएंगे। आइए बात करते हैं कि कंटेंजेंट लायबिलिटी और एक नॉर्मल लायबिलिटी में अंदर क्या होता है। तो बेसिकली वही बात है कि प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो पास्ट इवेंट से हुई है, वो लायबिलिटी होती है, लेकिन उसकी सेटलमेंट का अगर अमाउंट श्योर है और उसका सेटलमेंट जो है आज ही आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज के फॉर्म में है, तो वो एक लायबिलिटी है। लेकिन अगर वो प्रोबेबल नहीं है या फिर जो अमाउंट एक्सपेक्टेड है वो
पता नहीं चल पा रहा है, दैट्स कॉल्ड कंटेंजेंट लायबिलिटी। कंटेंजेंट लायबिलिटी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको आप लोग जरूर देखेगा। फॉर एग्जांपल एंटरप्राइज, फॉर एग्जांपल क्लेम अगेंस्ट एंटरप्राइज नॉट एक्नोलॉजेस डेट। बाहर वाले कहते हैं कि भैया आपने आईफोन बेचा हुआ है, अब आपका आईफोन नहीं चल रहा है, आपने कहा था 12 महीने के अंदर अंदर आप फ्री रिप्लेसमेंट करेंगे। तो बहुत सारे लोगों में इंडिया से बहुत सारे लोगों ने जो है इसका क्लेम किया रेज, लेकिन मैं ये एज अ कंपनी अभी मेरे वैल्यूअर्स ने इसको चेक नहीं किया कि आप लोग झूठा क्लेम तो नहीं कर रहे हो। सो इट इज अ लायबिलिटी, इट इज अ कंटेंजेंट लायबिलिटी, बट टुडे नो रीजनेबल एस्टिमेट, आई एम नॉट एक्नॉलेजिंग एट एज डेट। तो आपको याद रखना पड़ेगा, गारंटी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड एंड सैलरी लायबिलिटीज अंडर डिस्प्यूट, ये सभी जो होती हैं ये कंटेंजेंट लायबिलिटी होती है। इन एडिशन टू प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी इन बैलेंस शीट, एंटरप्राइजेस आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कंटेंजेंट लायबिलिटी इन द नोट्स, राइट। नाउ याद रखिएगा, जो नोट्स होते हैं वो हमेशा बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं, जो नोट्स होते हैं हमेशा बैलेंस शीट का पार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करें कंटेंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन में क्या अंतर है। देखो प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन का मतलब होता है कि एक अमाउंट जो कि असेट की वैल्यू को राइट ऑफ करता है, एनी अमाउंट रिटन ऑफ और रिटेन्ड बाय वे ऑफ, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट के केस में डेप्रिसिएशन हो गया, डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट हो गया, फिर उसके बाद किसी कोई एक नोन लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल डेटर की एक नोन लायबिलिटी है बैड डेट, उसका प्रोविजन हो गया। तो प्रोविजन क्या करता है, किसी अमाउंट को राइट ऑफ करने के लिए एक सेपरेट अमाउंट हम लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग एक्यूरेटली नहीं कर सकते, तभी तो एक परसेंटेज करते हैं ना, डेप्रिसिएशन इज इतना परसेंट ऑफ इतना परसेंट WDV, राइट। इट्स एन एस्टिमेट, इट्स अ प्रोविजन, राइट। तो प्रोविजन का मतलब ये हो जाता है, प्रोविजन और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस देते हैं, प्रोविजन एक प्रेजेंट लायबिलिटी है, अनसर्टन अमाउंट है लेकिन उसको मेजर कर सकते हैं रिलायबली। कंटेंजेंट लायबिलिटी पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, लेकिन वो क्रिस्टलाइज होगी कि नहीं होगी हम लोगों को नहीं पता है। जो प्रोविजन होता है वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करता है, तभी तो उसको PL में रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन जो कंटेंजेंट लायबिलिटी होती है उसको हम लोग निकाल के बाहर नोट्स में कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज वो प्रोविजन क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है। अब बात करते हैं प्रोविजन का एक रिलायबल एस्टिमेट जो है पता किया जा सकता है आराम से, कंटेंजेंट लायबिलिटी वहां पे फेल हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो प्रोविजन होते हैं, सी इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट इट इज प्रोबेबल दैट सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, इट इज रिकॉग्नाइज्ड। देखो हम लोग को पता है कि इसका एक बैड डेट जो है 100% आउटफ्लो तो करेगा ही करेगा, बस उसका जो अमाउंट है वो 100% सर्टन नहीं है, कुछ ऊपर नीचे है, तो वो प्रोविजन हो जाएगा। कंटेंजेंट लायबिलिटी में बेसिकली लाइकली लेस है, तभी तो उसको नोट्स में दिखा रहे हैं। कोई चीज अगर श्योर होगी जाएगी तो उसका अमाउंट तो निकल ही आएगा ना, ठीक है। तो ये तरीके से हम लोगों ने कंटेंजेंट एसेट और कंटेंजेंट लायबिलिटी खत्म किया। आप इस वाले पार्ट को प्लीज पढ़ लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, सब कुछ तो मैं ही पढ़ा रही हूं, आप इसको प्लीज रीड कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज की, बेहद इंटरेस्टिंग है अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसके बाद आई थिंक आपका AS आ जाएगा, INDAS आ जाएगा, ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है आपका, ठीक है। ओके बात करते हैं हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी की। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग प्रिंसिपल, जो कि हेल्प करता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नाउ जो पॉलिसीज होती हैं वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन से बेस्ड होती है। जो पॉलिसीज होती हैं वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन पे बेस्ड होती हैं, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कोई एक सिंगल लिस्ट नहीं होती है जो कि सभी एंटरप्राइज पे लगेगी, आपको जो है अकाउंटिंग पॉलिसी खुद से चूज करनी पड़ती है, वो आपका जजमेंट होता है मैनेजमेंट का। ICAI जो है पूरी कोशिश करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, सब लोग अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी ना यूज करें, तो इसलिए ICAI जो है पूरी कोशिश करता है कि एक सेट लिमिट पे लेकर के आता है, गाइडेंस नोट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेकर के, जिससे कि अननेसेसरी बहुत सारे ऑल्टरनेट्स को कि ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो कंपेरेबिलिटी कहां रहेगी, कंपेरेबिलिटी कहां रहेगी। तो इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो है गाइडेंस नोट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू ICAI ने इन सबको लिमिट करने की कोशिश की है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर आप पूछो कि मैम अकाउंटिंग पॉलिसी हम कहां यूज करते हैं, तो आपको पता है कि इन्वेंटरी में लीफो फीफो वेटेड सिंपल इस करते हैं, सिमिलरली इन्वेस्टमेंट के केस में हम लोग करते हैं, ठीक है। नाउ याद रखिएगा कि ये दोनों जो एग्जांपल दिया है वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बहुत सारी होती है, ये सिर्फ इलस्ट्रेशंस था। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कंपनी जो है मेथड सिलेक्टेड बाय दैट एंटरप्राइज फॉर वैल्यूएशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी। बेसिकली आप एज फीफो यूज कर रहे हैं, आप लीफो यूज कर रहे हैं, वो आपकी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी। अलग अलग एंटरप्राइजेज जो है अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन के लिए कोई WDV कर रहा है, कोई MACAS कर रहा है, कोई स्लेट एंड मेथड कर रहा है, वो सारी चीजें होती हैं। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे सिलेक्ट करते हैं। नाउ ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन है ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन होता है, इसकी वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है PL में और आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बैलेंस शीट में वो चेंज हो सकती है, इससे अंडरस्टेटमेंट और ओवरस्टेटमेंट हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करनी होती है। और कंसिस्टेंसी कहती है कि आपको कंसिस्टेंटली उसको सेम अप्लाई करना पड़ता है। देखो कोई एक यूनिफॉर्म लिस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि कौन से 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए आपकी अपनी कंपनी में अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करते वक्त, वो है PSM
प्रूडेंस सब्सटेंस ओवर फॉर्म मटेरियलिटी, प्रूडेंस सब्सटेंस ओवर फॉर्म मटेरियलिटी, ठीक है, प्रूडेंस सब्सटेंस ओवर फॉर्म मटेरियलिटी। नाउ कुछ एग्जांपल्स दिए, आप लोग देखिएगा इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री की बात करते हैं, तो इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री जो होती है, फॉर एग्जांपल आप रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होती है, देखो क्या लिखा हुआ, इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट कॉस्ट एक्सेप्ट फॉर फिनिश गुड्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर, है ना। देखो इन्वेंट्री जो होती है वो कॉस्ट पे करते हैं हम लोग, लेकिन वैसे देखा जाए तो हम लोग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की भी एनआरवी पे ही कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता, देखो ये इसलिए लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी नहीं लिखा है, व्हाई, बिकॉज तुम इन्वेंट्री लेकर के आ रहे हो ना, तो इन्वेंट्री का प्राइस इतना चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है, वो आपके फिनिश गुड्स होता है। फॉर एग्जांपल आपने फिनिश गुड्स बनाया, अब आप जो है फिनिश गुड्स बना रहे हो, आप सोच रहे हो कि इतने का बिकेगा इतना बिकेगा, मार्केट में उसकी वैल्यू एकदम लोअर हो गई है, तो व्हिचएवर इज लोअर पे जाएगा। अच्छा बाय प्रोडक्ट किस पे होता है, ये बात हो गई इन्वेंट्री की, फाइनल प्रोडक्ट की, बाय प्रोडक्ट हमेशा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बाय प्रोडक्ट की कोई कॉस्ट वो नहीं होती कि बाय प्रोडक्ट के लिए आपने सोचा कि आप बाय प्रोडक्ट बना, बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी यार, बाय प्रोडक्ट तो अलग से थोड़ी ना बनाया, वो तो बाय चांस बन गया एज अ बाय प्रोडक्ट, तो उसकी जो कॉस्ट, उसका जो वैल्यूएशन होता है वो एनआरवी पे होता है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा हम लोग उनकी एक्विजिशन कॉस्ट पे करते हैं, लेकिन अगर कोई डिमिनेशन हुआ है परमानेंट इरोड हो गई है वैल्यू, तो उसको हम लोग क्यों लिखेंगे। रिलायंस का शेयर मैंने खरीदा था 1000 रुपए का, वो 500 का गया, तो इरोड हो गई वैल्यू, परमानेंट डिमिनिशन हो गया, परमानेंट डिमिनिशन अगर हो गया तो आप उसको माइनस कर देंगे। ये सब अकाउंटिंग पॉलिसीज तो हैं। तो याद रखिएगा कि आप कौन सा ट्रीटमेंट अपना रहे हैं, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अपना रहे हैं, वो डिस्क्लोजर को आपको करना ही पड़ेगा अपने नोट्स में। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते कि आप कुछ भी अडॉप्ट कर लें, कुछ भी यू अडॉप्ट कर लें, डिस्क्लोजर लिख लें, तो डिस्क्लोजर करने हो गया, डिस्क्लोजर कैन नॉट रेक्टिफाई अ रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं कि क्या हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो कंसिस्टेंसी पढ़ी हुई है ऊपर नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप चेंज कर सकते हैं अगर स्टैट्यूट ने बोला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है, या फिर एक मोर अप्रोप्रिएटमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हो रहा है। नाउ याद रखेगा अगर आप चेंज करते हैं तो ये चेंज क्या है, ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में, और इस चेंज के कितने अमाउंट का डिफरेंस आया। फॉर एग्जांपल आप हर साल WDV कर रहे हो, आप इस साल से SLM कर रहे हो, तो SLM और WDV में कितना डिफरेंस आया वो लिखना पड़ेगा अमाउंट। बेसिकली आपके असेट में आपके PL पे क्या चेंज हुआ, ठीक है। सो ऑल दिस इंक्रीज और डिक्रीज इन द नेट प्रॉफिट, इट हैज़ टू बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड, अनलेस द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज क्वांटिफाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट हेल्प द यूजर्स। तो आपको यूजर्स को बताना पड़ेगा कि देखो भैया हर बार हम लोग ये करते तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इतना आता, लेकिन इस बार हमने SLM यूज किया तो इस वजह से इतना आ रहा है, वरना उनको लगेगा कि कंपनी का लॉस हो गया। उसको क्या पता कि कंपनी ने जो है अपना चेंज किया अकाउंटिंग पॉलिसी को, ठीक है। तो आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा, चेंज भी बताना पड़ेगा, क्वांटिफाई भी करना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग का यूनिट नंबर 7। नाउ दिस इज धमाकेदार यूनिट। देखो एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बात कर रहा है वैल्यूएशन प्रिंसिपल की। तो अभी तक तुम लोगों ने बोला कि बैलेंस शीट पे ये अमाउंट लिखना होता है, अमाउंट लिखना होता है, अमाउंट, अबे अमाउंट कहां से आता है, अमाउंट की बात कर रहे हैं, असेट इस वैल्यू पे, लायबिलिटी इस वैल्यू पे। तो देखो ये पढ़ना इसलिए जरूरी है, आप ये कह सकते हो कि मैम हम ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, व्हाई, बिकॉज आपने बताया था कि हम लोग को एक्विजिशन कॉस्ट पे लिखना होता है। लेकिन दोस्तों इस चैप्टर को तुमको पढ़ना पड़ेगा, व्हाई, बिकॉज तुम अब इंडेस पढ़ने वाले हो, तुम जब इंटरमीडिएट में जाओगे तो तुमको इंडेस आएगा। इंडेस बोलता है फेयर वैल्यू पे दी गई है, फेयर वैल्यू पे दी गई है, तो फेयर वैल्यू कैसे करोगे जब तक तुमको प्रिंसिपल नहीं बताऊंगे, ठीक है। तो मेरी बैलेंस शीट में मेरे समान असेट लायबिलिटी किस वैल्यू पे आएंगे वो ये चैप्टर बताएगा, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, हाउ टू ब्रिंग टू अ कम टू अ वैल्यू। नाउ लेट्स सी, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताती हूं। सॉरी यार, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब है, मेजरमेंट एक बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट है। मेजरमेंट बोलता है कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को पहली बात तो फिगर आउट करो, क्या वो मनी टर्म्स में आ सकते हैं, हो सकते हैं। तो आपको तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी, पहली बात तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उन ऑब्जेक्ट्स को, इन इवेंट्स को जो कि हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नंबर टू, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड, आपका स्टैंडर्ड क्या होता है मनी का, और फिर उस मनी के अगेंस्ट आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उस डायमेंशन के अगेंस्ट आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा अपने उस इवेंट को, ट्रांजैक्शन को। तो नंबर वन इज आइडेंटिफिकेशन, नंबर टू इज सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड विच इज मनी, एंड नंबर थ्री इज इवैल्यूएशन ऑफ द डायमेंशन अगेंस्ट दैट मनी। तो यहाँ पे प्रोफेसर RJ चैम्बर ने और कोहलर जी ने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, इसको एक बार देख लेना भैया। नाउ दो चीजें होती है, एक तो होता है ऑर्डिनल और एक होता है कार्डिनल। तो ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंक। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में हुआ है कि मेरे को यार एसी चाहिए और मेरे को मोबाइल चाहिए, दोनों 1,00,000 रुपए के आते हैं, तो बताइए कि मेरे लिए क्या सही है। मैं प्रेफरेंस दे रही हूं एसी को, मैं सेकंड प्रेफरेंस दे रही हूं, तो ये रैंकिंग हो गई, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल। और कार्डिनल का मतलब होता है कि मुझे कितने एसी चाहिए, 1, 2, 3, ये तो इसको बोलते हैं नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। तो मैम इसकी जरूरत क्या पड़ी, बेसिकली हम लोग ऑर्डिनल नहीं करते हैं, हम लोग जो नंबर बैलेंस शीट में पीरियड में लिखते हैं वो कार्डिनल नंबर्स होते हैं। याद रखिएगा तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड विच इज मनी, और स्केल
एंड इवेल्युएशन ऑफ डायमेंशन इन दैट स्केल. नाउ सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की. तो हम सबको पता है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है आइडेंटिफाइंग मेजरिंग का, जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा हुआ था, आइडेंटिफाइंग मेजरिंग कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स. तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन आप लिखने वाले हो उसको आप आइडेंटिफाई तो करोगे. तो जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, और इस पास्ट और प्रेजेंट ऑब्जेक्ट को आप लोग एक डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से आज मेजर करते हो, और जो फ्यूचर इवेंट्स होते हैं उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए फ्यूचर वाली चीजें कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आती. तो आपसे पूछा जा सकता है कि फ्यूचर वाली चीजें बैलेंस शीट में क्यों नहीं आ सकती. व्हाई? बिकॉज हम लोग को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देनी होती है और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली मेजर करके लिखना होता है, और जो पास्ट में हो चुका है सिर्फ उसको मेजर कर सकते हैं, इसलिए फ्यूचर वाली चीजें बैलेंस शीट में कभी भी नहीं आती है. हाँ, प्रेडिक्शन जो होता है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तभी तो हम लोग अनफोर्सीन कंटिजेंट लायबिलिटी को लेकर के आते हैं ना. तो ये वाली बात हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करी. नहीं समझ में आया तो पिछले एक मिनट की बात मेरी फिर से सुनो कि किसको किसको इवेंट को करते हैं. अब देखो, मैं ये नहीं बोल सकती कि 100% लोग फ्यूचर को नहीं इग्नोर कर देते हैं. भैया फ्यूचर को इग्नोर नहीं करते हैं तभी तो हम लोग प्रोविजन बना रहे हैं, तभी तो हम लोग एस्टिमेट बना रहे हैं, तभी तो हम लोग कंटिजेंट एसेट को लेकर आ रहे हैं, तभी तो हम कंटिजेंट लायबिलिटी को लेकर आ रहे हैं. बताइए, राइट? तो अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ स्केल ऑफ मेजर की. तो सेकंड पार्ट पे आते हैं, आइडेंटिफिकेशन हो गया, अब हम सेकंड बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ स्केल की. तो स्टैंडर्ड ऑफ स्केल बोलता है कि भैया हमारे पास जो है ना मनी है वही तो है. अब बार्टर सिस्टम तो है नहीं कि तुम मेरे को खाना दे दो, मैं तुमको अपना भेड़ बकरी दे दूंगा. सो स्टैंडर्ड जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है वो आपका मनी है. तो याद रखिएगा, मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही हम लोग अपने अकाउंट्स में चीजों को लिखते हैं. अब जो मॉनिटरी है, मनी है, इसका कोई यूनिवर्सल डिनोमिनेशन नहीं है. डॉलर अलग चल रहा है, रुपए अलग चल रहा है, आपका पाउंड अलग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है. तो हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आपकी जिस कंपनी की जो रूलिंग कंट्री की करेंसी है में चीजें आएगी, राइट? तो अच्छा, हम ये कह सकते हैं क्या कि जो मनी है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी लैक करती है? बिल्कुल. मनी एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट लैक्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री अनलेस अ कॉमन रुपीज इनवोक. फॉर एग्जांपल, सब चीज अगर डॉलर में हो रही है तो डॉलर में क्यों होगा? चीन वाला अपना चाइना में बनाएगा, हम जो है अपना रुपए में बनाएंगे. तो मनी एज अ मेजरमेंट स्केल इज लैकिंग यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. और सेकंड प्रॉब्लम है कि मनी इज वेरी वोलेटाइल, मनी में इन्फ्लेशन होता है, मनी की टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज होती है, इसलिए सब्जी का जो तोल है वो ही चेंज हो रहा है, बहुत ही बेकार है. अब तीसरी बात कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ मेजर स्केल. देखो, आपका जो डायमेंशन है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी हाइट नाप रहे हो, हाइट नाप रहे हो, जो स्केल है जो इंच है वो ही ऊपर नीचे हो रहा है, तो कितनी बकवास की बात है, कितनी भद्दी बात है. तो जो स्केल होता है वो स्टेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मनी की बहुत ही धज्जियां उड़ाई गई हैं और बोला जा रहा है कि जो मनी है एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो स्टेबल नहीं है, राइट? तो अकाउंटिंग जो है उन्हीं चीजों को मेजर करता है और लिखता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि मॉनिटरी टर्म्स में है, लेकिन बड़ी ही दिक्कत की बात है कि जो मनी है, जो डिसिप्लिन है, वो ही स्टेबल नहीं है. आइए बात करते हैं अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन का, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है क्या. देखो, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन की हम लोग बात करें तो बेसिकली मनी की ही बात कर रहा है. याद रखिएगा कि तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है GAC, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और आपका कंसिस्टेंसी, ठीक है? तो तीन थ्योरम्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल और आपका गोइंग कंसर्न, ये आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, ठीक है? नाउ हम कह सकते हैं कि नाउ क्या लिखा हुआ है कि वाइल मेजरिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड ऑल्सो प्रेजेंटिंग वेरियस पॉलिसीज आर अडॉप्टेड, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग विच डू नॉट फॉल इन द परव्यू ऑफ मेजरमेंट डिसिप्लिन, देयरफॉर वी कैनॉट से दैट अकाउंटिंग इज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन. मैं इसको, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ के सुना दी हूँ. अगर क्वेश्चन आ गया भाई, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि क्वेश्चन आ सकता है कि इज अकाउंटिंग अ मेजरमेंट डिसिप्लिन. देखो, How do you measure a transaction or event? Unless the measurement base is settled, we cannot progress to record keeping of the bookkeeping. बोल रहा है कि आप जिस भी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो वो मनी पे कर रहे हो, लेकिन जो मनी है, जो बेस है, उसको तो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है? Now it has been explained that accounting is meant for generating information suitable for users' judgment and decision, but generation of such information is preceded by recording, classifying and summarizing data. By that process, it measures the performance of business entity by way of profit and loss account and shows its financial position. मैं बताती हूँ. Thus, measurement is an important part of accounting discipline, but a set theorems govern the whole subsystem. These theorems should be carefully understood to know how the cogs of accounting wheel work. Nowadays, accounting profession earmark three theorems. This. Also, while measuring, classifying, summarizing, and presenting various policies adopted, recording, classifying, this are important part of accounting which do not fall with the purview of measurement. देखो, अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि किसी भी चीज़ को लिखने के पहले आपको उसको मेजर करना है, तभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग जो है फेयर होनी चाहिए, यूजर्स के डिसीजन मेकिंग में काम आ रही है. लेकिन इन सब में हम लोग को पता है RCS AIC है, ठीक है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और बाकी चीज़ें. तो यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है, जब आप मेजर कर रहे हो, आप क्लासिफाई कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, तो आप बहुत सारी अलग अलग टाइप की पॉलिसीज अपना रहे हो. तो यहाँ पे भी जो बेस है वो बहुत सब्जेक्टिव है, और ये जो है इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग पूरी बहुत सब्जेक्टिव है, और अकाउंटिंग एक परफेक्ट मेजरमेंट स्केल नहीं है, एक परफेक्ट मेजरमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, एक परफेक्ट मेजरमेंट डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है? नाउ बट इन अकाउंटिंग मनी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सो लेट अस टेक वन थिंग फॉर ग्रांटेड दैट ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हैव टू बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी. तो हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं और अकाउंटिंग का जो बेस है उसको कोई एक बेस, एक मनी मेजरमेंट, एक यूनिट चाहिए, और वो यूनिट जो है हमारा मनी ही है,
ठीक है, बहुत ही बकवास की बात थी। अब वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। हमारे पास फोर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स होते हैं, उसकी बात करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है सिंपल सी बात है कि आपके जो असेट्स होंगे वो उस अमाउंट पे रिकॉर्ड होंगे जितने का रोकड़ा या फिर रोकड़े का इक्विवेलेंट, कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट आपने एक्विजिशन के टाइम पे किया था। सिमिलरली लाइबिलिटीज किस पे रिकॉर्ड होगी, जो अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स आपको मिली थी। फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया तो उस वक्त आपको कितना लोन मिला उस पे आप अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। ये हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट बात करना है करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट कहते हैं कि भैया 100,000 रुपए का था तो क्या हुआ, आज की डेट में अगर आप सिमिलर खरीदोगे तो कितना कॉस्ट लगेगा, दैट इज कॉल्ड करंट कॉस्ट ऑफ असेट। एक्विजिशन कॉस्ट था, ये करंट कॉस्ट हो गया। लेकिन मैम हम लोग मशीन असेट में तो इसको कर लेंगे, मैम लाइबिलिटी में कैसे होगा? तो देखो क्या होता है ना, देखो मैं आप लोग को बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आ सकता है। आपने 500,000 रुपए का लोन लिया तो 500,000 रुपए आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी आनी चाहिए थी। वो 500,000 रुपए आपने 10% पे लिया, 500,000 रुपए आपने 10% पे लिया, अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है वो 12% हो गया, चेंज हो गया, फ्लक्चुएटिंग है। तो आप क्या करोगे, 500,000 पे 10% आपका कितना था, 50,000 रुपए, ठीक है। अब जो है आप 500,000 पे आपका 10% हो गया 50, देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1%। हाँ तो लेट सपोज क्या हुआ कि एक वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मिस्टर एक्स टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक एज ऑन 1/1/2011, 518% पेबल एट द एंड ऑफ 15th ईयर टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो हम लोगों ने क्या किया होगा, 500,000 रुपए पे उसको बैलेंस शीट पे ले आए होंगे। नाउ एज ऑन 1/1/2020, 2011 से 2020 पे उछल गया, द बैंक अनाउंसेस 1% प्री पेमेंट पेनल्टी ऑन द लोन। देखो कभी कभी बैंक बताए क्या करता है, आपको पता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी ली EMI पे, मान लेते हैं कि उसका 15,000-20,000 रुपए EMI आता है। मैं कभी कभी चाहती हूँ कि मेरा जो है प्लॉट ऑफ लैंड सेल हुआ है, मेरे पास अच्छे खासे पैसे आए हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ कि गाड़ी की लोन चुका देती हूँ, भाई क्यों मुझे ब्याज देना है फालतू में। तो वहां पे कार वाले इतने महान होते हैं भाई, उनका तो प्रोडक्ट है, उनको तो ब्याज मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं ना कि वो कहते हैं कि अगर तुमने पहले पेमेंट करना है तो तुमको 2% प्री पेमेंट पेनल्टी देनी पड़ेगी। मतलब पैसा दे रहे हैं तो भी नहीं ले रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि लेट सपोज आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट लाइबिलिटी 500,000 आती है, अब जो है अगर आप आज उसको पे करते कर दोगे करंट कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, तो आपको 500,000+1% प्री पेमेंट पेनल्टी होगी, तो वो आपकी करंट कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो करंट कॉस्ट क्या है, ये एक अल्टरनेट मेजरमेंट बेस है, हिस्टोरिकल कॉस्ट एक पक चुके हैं हम लोग, तो करंट कॉस्ट एक एक्विजिशन है। तो लाइबिलिटी के केस में बात करें तो इक्विवेलेंट केस का मतलब नहीं, असेट की बात करें तो असेट का मतलब है आज सेम असेट हमारी इक्विवेलेंट किस कॉस्ट पे आ सकता है, दैट इज कॉल्ड करंट कॉस्ट ऑफ असेट। और वहीं अगर ऑब्लिगेशन की बात करें तो आज की डेट में अगर हम ऑब्लिगेशन को एक्सचेंज कर दें तो कितना देना पड़ेगा, ठीक है। लाइबिलिटीज आर कैरीड एट अनडिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन करंटली। तो 500,000 रुपए तो है ही है, प्लस 1% प्रीपेमेंट पेनल्टी है, वो भी देना पड़ेगा अगर आज एसेट खरीदना पड़ा, अगर आज लाइबिलिटी पे करनी पड़ी। नेक्स्ट हम बात करें रियलाइजेबल वैल्यू की। तो रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब करंट कॉस्ट नहीं होती, रियलाइजेबल करंट कॉस्ट बोलता है कि आज अगर खरीदना पड़ा असेट सेम तो कितना लगा। रियलाइजेबल का मतलब है कि आज अगर मैं अपने असेट को बेचती हूं तो तुमने 1,00,000 पे क्यों लिखा हुआ है, आज बेच रहे हो तो 1,10,000 मिलेगा, आज बेच रहे हो तो 80,000 मिलेगा, दैट्स कॉल्ड द रियलाइजेबल वैल्यू। सिमिलरली सेटलमेंट वैल्यू फॉर लाइबिलिटी, रियलाइजेबल वैल्यू एंड सेटलमेंट वैल्यू, अगर आज मैं अपनी लाइबिलिटी को सेटल करती हूं तो मेरे को आज कितना पे करना पड़ेगा। हो सकता है अगर मैं आज पे कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने लाइबिलिटी अपने बुक्स में क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं, मुझे क्रेडिटर्स को 1,00,000 रुपए देना है, लेकिन वो 1,00,000 रुपए बहुत पहले से आ रहे हैं, अगर आज मैं क्रेडिटर्स को अपना पैसा देती हूं तो वो मेरे को 10% डिस्काउंट देंगे, 90,000 देना पड़ेगा। तो आज रियलाइजेबल वैल्यू जो क्रेडिटर्स की है दैट इज 1,00,000 रुपीज, 90,000 रुपीज। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो कि प्रेजेंट वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टफ लगता है बच्चों को। बच्चों आप लोगों को पता होगा प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, देखिए तो प्रेजेंट वैल्यू कहता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट को मारो गोली, करंट कॉस्ट को मारो गोली, रियलाइजेबल वैल्यू को मारो गोली। प्रेजेंट वैल्यू कहता है कि आपका जो असेट है और आपका जो लाइबिलिटी है आगे आने वाले सालों में ये मेरे को कितना बेनिफिट देगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, जितना जितना ये मेरे को पैसा देगा। फॉर एग्जांपल मैंने जनरेटर खरीदा, जनरेटर 1,00,000 रुपए का है, मारो गोली वो जनरेटर 1,00,000 रुपए का मैं नहीं करूंगी, मेरे को आगे आने वाले साल में हर साल वो 50,000 देगा और 10 साल तक चलेगा, उसके बाद नहीं, मैं 50,000 को ऐड कर दूंगी और वो मेरे जनरेटर की वैल्यू है, दैट्स कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन मजा नहीं आया, व्हाई, बिकॉज अगर वो आज 50,000 दे रहा है, वो तो 50,000 है, वो 1 साल बाद 50,000 देगा, वो 1 साल बाद 50,000 देगा, 3 साल बाद देगा, तो उसकी जो वैल्यू आज हम करेंगे तो इन्फ्लेशन से डिस्काउंट होगी ना, तो इन्फ्लेशन है इसलिए हम लोग 50,000 की वैल्यू को कम कर देंगे। तो कहने का मतलब है अंडर द प्रेजेंट वैल्यू मेथड द असेट और द लाइबिलिटीज वैल्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो विच वी विल रिसीव फ्रॉम दैट असेट और विच वी हैव टू पे फॉर दैट लाइबिलिटी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू, आप लोग तो मैथ्स के बच्चे हो, इज इक्वल टू द सम ऑफ
लेट सपोज कि एक ही सेम अमाउंट मिल रहा है हमको जनरेटर से, तो हमारा एनमिटी वैल्यू हो गया डिवाइडेड बाय 1+i to the power n, मतलब फर्स्ट ईयर, फिर उसके बाद ये समेशन तो कर ही दिया है, प्लस a1 a2, सेकेंड ईयर के एंड में कैश फ्लो मिल रहा है 1+i to the power 2, दो साल का डिस्काउंट करेंगे, 50,000 को एक बार डिस्काउंट किया, एक बार डिस्काउंट किया, सिमिलरली ऐसे 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 हम लोग करते रहेंगे, ठीक है, एक मिनट के लिए रुकिएगा. या तो इसकी जगह पे बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग सिंपली लिख सकते हैं बेसिकली ये जो चीज़ होती है ना, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. सो एनुअल कैश फ्लो नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ईयर एंड 1. अब मैम डिस्काउंट रेट क्या होगा वो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा. सिमिलरली a2 मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये v है, ऑफ ईयर 2. ऐसे आंसर ऑन गया तो अपन क्या करते हैं, अगर एनुइटी वैल्यू सेम है तो हम लोग a लिखते हैं, मल्टीप्लाइड कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर से. या तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या तो फिर इसको लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय 1+rate to the power n. ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. इसकी क्वेश्चन तो मैंने आपको क्लास में करवाई दिए थे. तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू. तो प्रेजेंट वैल्यू कहता है कि असेट या फिर लाइबिलिटी की वैल्यू होती है विच इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिस्काउंटेड कैश फ्लोज दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड आउट ऑफ दैट असेट और द लाइबिलिटी दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी गिवन ईच ईयर. ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट दिया होना चाहिए, नंबर ऑफ ईयर्स दिया होना चाहिए, अमाउंट दिया होना चाहिए. That's it, I think. और कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, द अकाउंटिंग सिस्टम विच वी शैल डिस्कस इन द रिमेनिंग चैप्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग. हम लोग बेसिकली हमेशा ही चाहे कुछ भी चैप्टर हो हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट ही करते हैं. आइए बात करते हैं मेजरमेंट और वैल्यूएशन की. तो वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से बेनिफिट डिराइव करना, दैट इज कॉल्ड वैल्यू. ठीक है, अब जो वैल्यू होती है उसको हम लोग मनी के टर्म्स में लेकर के आते हैं. इकोनॉमिक्स के लिए और अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए अलग अलग आती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि एक होती है अकाउंटिंग कॉस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट. तो इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक्स जो होते हैं ना वो ऑर्डिनल स्केल यूज करते हैं, लेकिन जो अकाउंटेंट होते हैं वो वैल्यूज. इकोनॉमिक्स क्या होता है, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ इंडिफरेंस कर्व, ये कर्व, वो कर्व, लेकिन जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो कार्डिनल नंबर्स यूज करते हैं. आइए नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की. तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की अगर हम लोग बात करें, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट हम मैंने आपको प्रोविजन वगैरह बता दिया है. कहने का मतलब है आपको पता तो है कि ट्रांजैक्शन को मेजर करना है वैल्यू में. ठीक है, जो चीज़ हो चुकी है उसका आपका नंबर होता है, उसको आप लोग लिख देते हैं. कोई चीज़ हो चुका है, इवेंट हो चुका है, एसेट लाइबिलिटी, उसका जो मॉनिटरी वैल्यू है उसको आप लोग लिख देते हैं. लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ना पहले कभी नहीं होती हैं लेकिन आगे आने वाले वक्त में होंगी और उसका अमाउंट नहीं फिगर आउट कर पा रहे. फॉर एग्जाम्पल डाउटफुल डेट. ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम डाउटफुल डेट जो परसेंट होता है वो तो प्रीवियस से लेकर कहते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हर साल मेरे पास 1,00,000 रुपए के सेल होती थी, उस पर मेरा 5% डाउटफुल डेट होता था. पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी जो सेल्स है वो 10,00,000 की हुई, तो मुझे पता नहीं है क्या करूँ. तो ऐसे केस में कितना डेट होगा इसका मैं एक अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाऊंगी, एक रीजनेबल एस्टिमेट बनाऊंगी बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन. वो एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है कि मेरी सेल 7,00,000 रुपए की हो गई, 10,00,000 रुपए की हो गई, और बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस कि 1,00,000 रुपए पे 5% डेटर होते थे. ठीक है, तो ऐसे सो लाइबिलिटीज का जो आप मेजरमेंट करें ऑन द बेसिस ऑफ सम एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट. और अकाउंटिंग एस्टिमेट में एक बात है, अकाउंटिंग एस्टिमेट में और नॉन अकाउंटिंग एस्टिमेट में एक डिफरेंस होता है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट में आप एक परसेंटेज दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपका एस्टिमेट जो मैनेजमेंट करती रहती है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन रेट, इंटेंजिबल का गुड अमोर्टाइजेशन रेट, डेप्रिसिएशन रेट, डाउटफुल डेट्स का रेट, आपके अक्रूवल्स हो गए, प्रोविजंस हो गए, एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशंस हो गया, ठीक है, बैड डेट, यूजफुल लाइफ हो गया, रेसिडुअल वैल्यू हो गया, ये सब अकाउंटिंग एस्टिमेट तो है. जी हाँ, तो जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो गया अगेन ये मैनेजमेंट के जजमेंट्स इन्वॉल्व करते हैं, मैनेजमेंट का जजमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है. और अगर कोई रिवीजन हुआ है सर्कमस्टांसेस में तो हम लोग एस्टिमेट को डेफिनेटली चेंज कर देंगे, और जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है वो अलाउड होता है. नाउ किस किस केस में हम लोग अकाउंटिंग एस्टिमेट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10,00,000 रुपए का असेट लेकर के आए वो कितना चलेगा, आप एक पेटेंट खरीद के लाए उसका कितना यूजफुल लाइफ है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करती हूँ, मेरे काम को बनाने में मैं बिल्डिंग बनाती हूँ, बिल्डिंग बनाने में 5-5 साल लग जाते हैं, तो मैं क्या हर साल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ना करूँ, 5 साल बाद मेरा पहला रेवेन्यू आएगा? नहीं, मैं जो है एक एस्टिमेट बनाती हूँ, उसको बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड. परसेंटेज कंप्लीशन मेथड आप लोग बीकॉम में पढ़ते होंगे. सो परसेंटेज मेथड कंप्लीशन मेथड का मतलब होता है कि मैं 33% बिल्डिंग बना रही हूँ तो मैं 33% का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूँगी, भले मिले ना मिले वो मेरा अक्रूवल है. सिमिलरली टैक्स, टैक्स का पता नहीं होता कि कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो एक एस्टिमेट हो गया. ठीक है,
आइए नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, इस चैप्टर में से ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को. अकाउंटिंग देखो, अकाउंटिंग का मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. वो क्या करता है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है. अगर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही रेगुलेट नहीं किया तो पूरी की पूरी अकाउंटिंग बेकार हो जाएगी. जो ट्रांसपेरेंसी है, जो कंसिस्टेंसी है, जो कंपेरेबिलिटी है, जिसका हम लोग गुणगान कर रहे थे, वो कभी नहीं हो पाएगा. इसलिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक फ्रेमवर्क डिसाइड किया गया है जो कि एसेंशियल है, जिससे कि सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज, कन्वेंशन अकाउंटिंग पॉलिसीज हो रही है, वो स्टैंडर्डाइज हो सके. सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है. किसने लिखा हुआ है, एक एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी ने, आपकी ही आईसीआई ने लिखा हुआ है. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस बातों से डील करता है, वो डील करता है आरएमपीडी से. बहुत इंपॉर्टेंट है आरएमपीडी, रिकॉग्निशन मेजरमेंट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर. हम लायबिलिटी को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, कंटिंजेंट है तो नहीं करेंगे, कंटिंजेंट नहीं है तो करेंगे. कितने अमाउंट पर रिकॉग्नाइज करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे करेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू पे करेंगे, किस पे करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, असेट्स के नीचे करंट एसेट होगा उसके नीचे आएगा कैश. डिस्क्लोजर कैसे करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में करेंगे, पीएल में करेंगे, इस फॉर्मेट से करेंगे. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब बताता है आरएमपीडी, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हम बात करें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सोल ऑब्जेक्टिव है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो हार्मोनाइज हो सके, स्टैंडर्ड हो सके, कंपेरेबिलिटी जो है वो बनी रहे, नॉन कंपेरेबिलिटी जो है एलिमिनेट हो सके. ठीक है, तो एक प्रोवाइड करता है सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जिससे कि जो अकाउंटिंग के अल्टरनेटिव्स हैं, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो अल्टरनेटिव्स रिड्यूस हो जाए. ये ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का. बेनिफिट्स क्या है और लिमिटेशंस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के. ठीक है, तो बेनिफिट्स की बात करें, वही सिंपल सी बात है कि हम जो है एक काफी हद तक कंफ्यूजन को एलिमिनेट कर सकते हैं. जो चीजें कभी कभी क्या होता है कि लॉ नहीं बोलता है करना है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है करना है, तो ये भी बात है. ठीक है, अकाउंटिंग साइड की सोच जो है दूर तक होती है, हो सकता है कंपनी लॉ की सोच वहां तक ना हो. कंपनी लॉ ने बोल दिया कि सीएसआर करना, सुनो मेरी बात, कंपनी लॉ ने बोल दिया कि सीएसआर करना पड़ेगा 2% का हर साल. अकाउंटिंग ने बोला कि नहीं किया है तो उसको सेपरेटली नोट्स में लिखो, ये अकाउंटिंग हो गया. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है, क्यों नहीं किया, उस पर पेनल्टी लगेगी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो बोलता है. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट की बात नहीं कर रहा है, समझो ना, आरएमपीडी डिस्क्लोजर की बात कर रहा है. जितनी बातें नोट्स में डिस्क्लोज करनी है वो कोई लॉ नहीं कहता, एएससी तो बोलता है. एएससी ये भी बोलता है कि अगर तुमने कंसिस्टेंटली किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को नहीं फॉलो किया तो लिखो क्यों नहीं फॉलो किया, नालायक. ये एएस बताता है. तो जो इन्फॉर्मेशन लॉ भूल गया, कंपनी लॉ भूल गया, इलेक्ट्रिसिटी लॉ भूल गया, एएस बताएगा वो चीज़. और ये कंपैरिजन में फैसिलिटेट करता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग नौटंकी ना करने लगे, एक कंट्री टू अनदर कंट्री सिमिलैरिटी बने, वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है. लेकिन मैम इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाहर तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है आईएफआरएस. तो आईएफआरएस वन कंट्री टू अनदर, ग्लोबल किसी भी कंट्री में चले जाओ, आईएफआरएस के हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो. यहां के जूते की कंपनी को बाहर के जूते की कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तुम कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, तो डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो दूर दूर हैं, वो ग्लोबल लेवल की सिमिलैरिटी इंडिया से आ गई है, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है. तो आपके बेनिफिट्स क्या है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा. लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ये हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अपने अंदर ही कुछ चॉइसेस बताता है. फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इन्वेंट्री का क्या है, आप लोग को ये याद करना पड़ेगा, इन्वेंट्री का दिया हुआ है, इन्वेंट्री का 2 है, अपने अंदर लीफो फीफो सब बताता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है. ठीक है, लेकिन हाँ वो बताता है कि रॉ मटेरियल है तो ये करो, फिनिश गुड्स है तो ये करो, बाय प्रोडक्ट्स है तो ये करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो लिमिटेशन पहले तो ये हुई, पहली लिमिटेशन आपकी ये हो गई कि चॉइस करनी पड़ती है हम लोग को अलग अलग ट्रीटमेंट्स में से. एक रेस्ट्रिक्टेड स्कोप होता है, कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता. कंपनी आप जो कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको ओवरराइड नहीं कर पाएगा. तो ये दूसरी लिमिटेशन हो गई. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन. कौन बनाता है, कैसे बनाता है, किस तरीके से बनाता है, आपको दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने आपके लिए ये बना दिया है. मजा आया तो बताना मुझे. ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनी इंस्टीट्यूट आईसीआई नहीं बनाता है. आईसीआई ने एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई है, एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो 1977 में बनी थी ना. एएसबी इंडिपेंडेंट है, उसमें दखलंदाजी नहीं करता है आईसीआई. ना क्या होता है कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बेसिकली आईएफआरएस को देखते हुए करंट सिनारियो जो चल रहा है, जो करंट पॉलिसीज में प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सीएस बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो उसका एक ड्राफ्ट क्रिएट करता है एएसबी. अब इस ड्राफ्ट को बहुत सारे लोग, आईसीआई के काउंसिल मेंबर्स, डीसीए, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सेबी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सीएजी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, ये सब के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसको सोचते हैं, विचार करते हैं, कमेंट देते हैं. एएसबी उस कमेंट को देखता है, फिर फाइनलाइज करता है, तो एक एएस बनता है. ठीक है, इसके बारे में डिटेल में समझना है तो एक बार रिव्यू कर लेना, मैंने नीचे की पूरी चीज आपको बता दी है. ठीक है, एक बार रीड कर लेना.
लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही आसान है, तो ये लिस्ट है जो कि बिजनेस एंटिटीज को फॉलो करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दौरान। ये लिस्ट मैंने मतलब मुझे भी याद आ जाती है, AS1 जो है आपका अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर है, फिर आपका इन्वेंट्री है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फिर 4-5 में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, 4 का मतलब कंटिजेंसी है, 5 है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, 6 जो है वो आपका डेप्रिशिएशन था, अब वो हट चुका है क्योंकि AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया है। तो AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी AS6 डेप्रिशिएशन आ गया, इसलिए AS6 हटा दिया गया है। AS7 आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो बताया था ना कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में बहुत टाइम लगता है, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के हिसाब से वो अपना अक्रूवल करते हैं, मतलब कि रियलाइजेशन करते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर AS8 आपका ठीक है R&D हो गया, मुझे भी बहुत टाइम हो गया है पढ़े हुए फाइनल में। फिर 9 आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया, 10 आपका ये हो गया, 11 आपका फॉरेन एक्सचेंज हो गया आई थिंक, हाँ, फिर उसके बाद 12 आपका गवर्नमेंट ग्रांट्स राइट, और 13 आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, 14 आपका फेयर वैल्यू है क्या नहीं एमलगमेशन हो गया, 15 एम्प्लॉय बेनिफिट, 16 बोरिंग कॉस्ट, ऐसे से सेगमेंट रिपोर्टिंग आ जाएगा, फिर हाँ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर हो गया, 19 लीज हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया, फिर 21 आपका ठीक है 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नहीं ये सही नहीं है, मैं बताती हूँ 21, 23, 27 राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 21, 23, 27 आप एक साथ याद कर सकते हैं, 21, 23, 27 ये मर्जर्स की बात करता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट्स, आप लोगों को पता होगा कि एक कंपनी की होल्डिंग होती है, सब्सिडरी होती है, एसोसिएट होता है, जॉइंट वेंचर होता है, और 27 जॉइंट वेंचर की बात करता है, ठीक है। 24 आपका डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल आप आज बोलते हो गोइंग कंसर्न है, लेकिन आप आज ही अपने बिजनेस को जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा करती हूँ कि मैंने आपको ये कहीं ना कहीं क्लास में पढ़ाया होगा, ठीक है, देखो AS1 बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, आपको अपनी बिजनेस को, बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त AS1 से लेकर के 30, 31, 32 तक, AS 30, 31, 32 आपके में दिया नहीं है, सबको फॉलो करना होता है सबको, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू करना, इसको रटने की कोशिश करना, 30, 31, 32 जो है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टॉक बॉन्ड्स, 29 आपका प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटी कंटिजेंट एसेट है। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया कि कंटिजेंट एसेट क्या होते हैं, अब उसको कैसे लिखना है, RMPD रिकॉग्निशन मेजरमेंट डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन कैसे होना है वो ये बताएगा। 28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू डिग्रेड हो रही है क्या, कौन से एसेट मैम, उसमें तो डेप्रिसिएशन लगता है, जो आपके पेटेंट कॉपीराइट है उस पर गुडविल, उस पर इंपेयरमेंट लगता है, एमोर्टाइजेशन लगता है। 27 आपका हो गया जॉइंट वेंचर, 26 हो गया इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल को कैसे लिखना है, पेटेंट को, मास्टहेड्स को, कॉपीराइट को कैसे आपको अकाउंट फॉर करना है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर आप सिर्फ 4 महीने के फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हो तो कैसे करना है। डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन 24, यानी कि आप बोल रहे हो कि आज की डेट में आपका सिगरेट का काम था, आपका कॉपी का काम था, कॉपी का काम आप बंद कर रहे हो, लेकिन कम से कम आज जो है आप कॉपी का जो पास्ट 12 मंथ्स का प्रॉफिट है उसको दिखाओगे तो, है ना, तो दिखाओगे तो सही, लेकिन वो डिसकॉन्टिन्यूड हो गया तो कैसे लिखना है उसको, क्योंकि गोइंग कंसर्न मानते हैं। अब अगर लोगों ने सोच लिया कि आप अभी भी काम करोगे उसका सिगरेट का, लेकिन उधर डिसकॉन्टिन्यूड, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इंड इसको पढ़ने में कोई कुछ बहुत खास बात नहीं है, मैं आपके लिए ये बता देती हूँ कि ऐसा करते हैं, इसको जो है हम नेक्स्ट थ्योरी में कन्वर्ट कवर करते हैं, इसका मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, ठीक है, इसका एक आइडिया, या फिर ऐसा करते हैं कि इसको भी मैं पढ़ा ही देती हूँ, आई विल अंडरलाइन बाय टेकिंग अ ब्रेक। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस चैप्टर में पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसके आपको ट्रू फॉल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने चाहिए, और इसका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसी में से आएगा, उसके अलावा कुछ आएगा नहीं, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो इसका पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ कन्वर्जेंस। देखो हुआ क्या, आप AS फॉलो करते थे, पूरी दुनिया जो है IFRS फॉलो करती थी, पूरी दुनिया की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अलग बनती थी, इंडिया की अलग बनती थी, बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। व्हाई? बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया यानी कि पैसा, सामान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मनी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पैसे का और सामान का आदान प्रदान होने लगा, कंपनीज जो है आपस में काम करने लगी, लेकिन बड़ी दिक्कत होने लगी। वहाँ पे अगर इंडिया अपने ब्रांच खोले तो वहाँ पे अलग तरीके से बनाना है, यहाँ पे अलग तरीके से बनाना है, फिर उसके बाद कंसोलिडेट करना है। व्हाई? बिकॉज AS में ऊपर पड़ा था ना 21, 23, 27, 21 बात करता है कि अगर इंडिया की एक कंपनी है उसके हर जगह ब्रांचेस हैं, एसोसिएट्स हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, तो सब साल के एंड में कंबाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अलग अलग बनाना है, कॉस्ट बढ़ गई, तो बड़ी दिक्कत होती थी। बाहर वाले लोग हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं करते थे कि यार हम लोग तो अलग बनाते हैं, पूरी दुनिया में अलग बनाते, आप लोग अपना अलग नाटक चला रहे हो। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने AS को IFRS से कन्वर्ट करके इंड AS बना दिया। अब क्या मैम हम लोगों ने पूरा का पूरा IFRS कन्वर्ट कर लिया, अपने में ले लिया? नहीं, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। AS में, इंडिया में हर चीज जुगाड़ चलती है, इंडिया में हर चीज अपने तरीके की चलती है, चाहे बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट एंटरप्राइज हो, चाहे कुछ हो, सब पर जुगाड़ चलता है, आपको पता है। तो हम लोगों ने IFRS को अप्लाई नहीं किया,
इंक्लूड नहीं किया, हम लोगों ने कन्वर्ज किया, एडॉप्ट नहीं किया. तो वही बोल रहा है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ कन्वर्जेंस रादर देन एडॉप्शन. तुमने एडॉप्ट क्यों नहीं किया, सेम टू सेम चिपका क्यों नहीं दिया कि IFRS ये था, इंडिया में भी चिपका देते सेम टू सेम. नहीं, तुमने कन्वर्ज किया, स्टाइल से बोल रहा है कन्वर्ज किया, एक्सेप्ट पूरा नहीं किया, हल्का फुल्का तोड़ा मरोड़ा. तो आइए देखते हैं. तो क्या रीजन था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद ICAI डिसाइडेड टू कन्वर्ज एंड नॉट टू अडॉप्ट IFRS इशूड बाय IASB. तो जैसे कि हमारे में वो था IAB, यहाँ पे IASB है, ठीक है, ऊपर देख लोगे आप लोग. नाउ द डिसीजन ऑफ कन्वर्जेंस रेदर देन एडॉप्शन वॉज टेकन आफ्टर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ IFRS रिक्वायरमेंट एंड एक्सटेंसिव डिस्कशन विद द स्टेक होल्डर्स. तो हम लोगों ने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, हमारा सेवी था, हमारा SOCAM था, हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट था, फिर उसके बाद आपका IRDA था, सबको था. इन सबसे पूछने के बाद, पढ़े लिखे लोगों से पूछने के बाद, ICAI के पढ़े लिखे लोगों के बाद पूछने के बाद, हम लोगों ने देखा कि जो IFRS है उसकी रिक्वायरमेंट, उसका प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, मेजरमेंट, सब कुछ अलग है, काफी अलग है. तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द IFRS कन्वर्ज्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो हम लोगों ने IFRS नहीं लिया, हमने AS भी नहीं किया, हमने उसको इंडियन AS कर दिया, इंड AS. हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग इन स्टैंडर्ड्स को लें तो, लेकिन उतने डिपार्चर्स करें और उतना करेस्पोंडिंग चीजें लेकर के आए उसमें से जितना इंडिया के लिए एसेंशियल है. ऐसा ना करें कि जो वहां उसमें, पता है वहां के लोग ना फेयर वैल्यू पे बहुत विश्वास करते हैं, यहाँ पे अगर हम फेयर वैल्यू लेकर के आ गए ना, लोग तबाही मचा देंगे. आपको पता है जैसे तेज 30 मार खा चोर चमाट लोग हैं यहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है कि अच्छा बेटा अपनी बैलेंस शीट पे ना फेयर वैल्यू पे लैंड को लिखो. यहाँ पे लोग 1 करोड़ की चीज़ को पता नहीं कभी भी 1 करोड़ का दिखाएंगे नहीं, भरोसा ही नहीं है, इतने चोरी चमारी वैसी ही होती है. तो यहाँ पे IFRS को कन्वर्ज किया गया, ठीक है, जितना एब्सोल्युटली एसेंशियल था उतना लेकर के आए. सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इशू ऑफ इंड AS. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. क्या इंपॉर्टेंस है इंड AS का, देखिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी, ग्लोबल लिस्टिंग एंड डिफरेंट बोनसेस, डिफरेंट बोर्सेस एंड कंपेरेबिलिटी. देखो क्या बोल रहा है कि आप चाहते हो कि आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिले, बाहर से लोग पैसे लेकर के आए, लेकिन बाहर से लोग तभी पैसे आपके में इन्वेस्ट करेंगे जब वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विश्वास करेंगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस की लैंग्वेज है, वही नहीं समझ में आएगी लैंग्वेज तो वो पैसा डालेंगे. आप चाहते हो कि आपके जो शेयर्स हैं वो विदेश में लिस्ट हो जाए, रिलायंस विदेश में लिस्ट हो जाए, वहां से पैसा है. आप चाहते हो कि विदेशी शेयर में आप खरीद लो, तो ये सब कैसे होगा जब तक कंपेरेबिलिटी नहीं होगी, एकदम फेयरनेस नहीं होगी. इंडिया के लोग तो वैसे ही पागल हैं, बाहर मतलब पागल इन द सेंस कि हम लोग तो मान लेते हैं यार CAVA की बात, बाहर के लोग थोड़ी ना मानेंगे. हमारे अंदर तो भाईचारा है, हम तो मान लेते हैं कि CA जो है बिल्कुल सही कर रहा है. कन्वर्जेंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज अ वैल्यूएबल प्रोसेस दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फ्री फ्लो ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट. तो जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को और अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कन्वर्ज करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस निकल कर आएगा, जिससे कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का हमको फ्री फ्लो मिलेगा, बाहर से पैसा आएगा, लोग हमारे ऊपर भरोसा करेंगे और हमारी कैपिटल मार्केट बढ़िया होगी. अचीव सब्सटैंशियल बेनिफिट फॉर कैपिटल मार्केट स्टेकहोल्डर, जो हमारे देश में कैपिटल मार्केट है उसमें पैसा आएगा और हमको बेनिफिट मिलेगा. इट इंप्रूव्स द एबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर्स टू कंपेयर इन्वेस्टमेंट ऑन ग्लोबल बेसिस. कोई एक बंदा जो है एप्पल में इन्वेस्ट करना चाहता है, यहाँ रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहता है, या फिर जो भी मान लो तो बहुत ही आर पार की सिचुएशन हो गई, इन्वेस्ट करना चाहता है, वो ग्लोबल बेसिस पे कंपनीज को कंपेयर कर सकता है, ठीक है. एंड दिस लोअर्स देयर रिस्क ऑफ एरर ऑफ जजमेंट. उनको डर नहीं रहेगा कि मेरी जजमेंट फेल हो जाएगी. इट फैसिलिटेट्स अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर कंपनीज विद ग्लोबल ऑपरेशन. नेक्स्ट क्या है, आप इसको पॉइंट वाइज लिखना, एकदम पॉइंट वाइज मक्खन की तरह. नेक्स्ट क्या है, अगर मेरी ही कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस हैं, एसोसिएट्स हैं, कोई जिम्बाब्वे में, कोई इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंडिया में, कोई साउथ अफ्रीका में, तो मैं अपने ग्लोबल ऑपरेशंस की कंपेरेबिलिटी भी कर सकती हूं और रिपोर्टिंग भी कर सकती हूं, और मेरे का टाइम भी नहीं जाएगा, मेरा कॉस्टिंग भी नहीं जाएगा. कभी ये कर रहे हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंडिया के इससे, फिर उसको ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा. एक बनेगा, एक लाइन में बनेगा, उसको ऐड कर लेंगे. इट एलिमिनेट सम कॉस्टली रिक्वायरमेंट्स से रीइंस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो आपने पहले US के हिसाब से किया, US के IFRS के हिसाब से, अब आप इंडिया में अपने AS के हिसाब से कर रहे हो, अब कैसे ऐड करोगे. तो एक रखो ना, तुम्हारी US की कंपनी है उसका वहां के हिसाब से हो रहा है, तुम्हारा भी तो IFRS के हिसाब से है, तो अंत में ऐड कर दो. तो आपका जो रीइंस्टेटमेंट है वापस से रिकन्वर्ट करना, उसमें जो टाइम जाएगा, मनी जाएगा, वो वेस्ट नहीं होगा. तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना चैप्टर 1 का थ्योरी पूरा कर लिया. आप लोग बाकी चीज़ें देख लीजिएगा और बस यहाँ पे चीज़ें खत्म हो जाती है. बाय गाइस, टेक केयर, जैसे लगे ज़रूर बताइएगा अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस, फीडबैक भी.